अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ऑडियो और वीडियो में क्लैरिटी है? एनी इश्यूज ऑन योर एंड? कोई मसला? ओके परफेक्ट. हम बस मजीद 5 मिनट्स का, रादर 2 मिनट्स का वेट करते हैं, उसके बाद आपकी क्लास फिर सर के साथ स्टार्ट होती है ऑन कश्मीर इशू. उसके बाद लेटर ऑन 2:30 बजे आपकी मेरे साथ क्लास होगी, ठीक है? सो जस्ट वेट अ वाइल एंड वील स्टार्ट दिस इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स को? बताएंगी एम ए ऑडिबल जी, आवाज ऑनलाइन क्लियर है? आवाज क्लियर है, ठीक हो गई, ठीक हो गया जी। सही हो गया जी। अच्छा जी, हमारी जो है वो डिस्कशन लास्ट क्लास के अंदर जो है वो चल रही थी पाकिस्तान जी। आ जाइए आ जाइए जी, वालेकुम सलाम। लास्ट वालेकुम सलाम, आ जाइए आ जाइए। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही थी इंडिया पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पर, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द कश्मीर डिस्प्यूट। और कश्मीर के अंदर हमने, मेरा ख्याल है कि 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि वाई इंडिया क्लेम्स कश्मीर एंड वाई पाकिस्तान काउंटर्स इंडियाज क्लेम, या वाई पाकिस्तान काउंटर्स इंडियाज नैरेटिव ऑन कश्मीर। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट लिखे ना कि वाई पाकिस्तान डिनाइज इंडियाज क्लेम या काउंटर्स इंडियाज क्लेम, ये ही पॉइंट्स हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि वाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर, मेरी बात समझ आ रही? जो पाकिस्तान का काउंटर है इंडिया को, वही तो क्लेम है पाकिस्तान का कश्मीर पे। अगर वो सवाल ये पूछे कि वाई पाकिस्तान या हाउ पाकिस्तान काउंटर्स इंडियाज क्लेम, तो भी यही पॉइंट है जो हमने लिखे हैं। अगर वो सवाल पूछे कि वाई पाकिस्तान क्लेम्स कश्मीर, तो भी यही पॉइंट है जो हमने लिखे हैं।
राइट, तो वो पॉइंट्स हमारे पास वहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन की थी, और वो हमने डिस्कशन की थी कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो था वो इंडिया ने क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर क्या था, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, राइट, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A था, राइट, इन दोनों आर्टिकल्स को प्राइमरीली जो है वो कहा जाता है द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। मेरी बात समझ आ रही? तो जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर था वो क्या था, 370 एंड 35A। और हमने ये बात पढ़ी थी कि आर्टिकल 370 के अंदर चार बातें लिखी हुई थी और आर्टिकल 35A में पांच बातें लिखी हुई थी। ये जो चार बातें 370 में लिखी थी और पांच बातें 35A में लिखी थी, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते थे, स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। और ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो था ये खत्म कब हो गया, राइट, रिवोक कब हो गया, ऑन 5th अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को मोदी साहब की गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया। किसके थ्रू? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू, थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। इट वॉज रिवोक्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। अब जरा इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड कर लें। एक वर्ड आपके सामने आया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। मेरी बात समझ आती है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक टेम्परेरी लॉ होता है। फोकस रखिएगा, क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है। वो लॉ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक उस लॉ को पार्लियामेंट खुद पास नहीं कर देती। फोकस रखिए मेरी बात पे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके मुल्क का प्रेसिडेंट एक लॉ बना सकता है अपनी मर्जी से, यानी वो अपनी मर्जी से एक लॉ बना सकता है और वो लॉ चलेगा 120 दिन तक। कितने दिन तक? 120 दिन तक। 120 दिन के अंदर अंदर उस लॉ को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है। अगर 120 दिन के अंदर अंदर वो लॉ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास हो गया तो फिर वो लॉ क्या बन जाएगा? एक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? वो फिर क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। आ लॉ, ये देखें वो क्या है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कितने दिन के लिए चलता है? 120 डेज के लिए। 120 डेज के अंदर अंदर अगर पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को नेशनल असेंबली से भी अप्रूवल मिल जाए और सेनेट से भी अप्रूवल मिल जाए तो फिर वो लॉ क्या बन जाता है? पक्का पक्का एक्ट बन जाता है। वरना अगर 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट ने उसको पास ना किया तो 120 दिन के बाद वो लॉ खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। इंडिया के अंदर हमारे पास कितना टाइम है? 120 दिन का। इंडिया के कानून के मुताबिक ऑर्डिनेंस चलता है सिर्फ 6 वीक्स। कितना चलता है? 6 वीक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ओनली वर्क्स फॉर 6 वीक्स एंड पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट वर्क्स फॉर 120 डेज। समझ आ गई? तो इंडिया के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया 5th अगस्त 2019 को और उस ऑर्डिनेंस के जरिए उसने क्या किया, स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक कर दिया। मेरी बात समझ आ रही? अब हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है वो इस बात पे स्टार्ट करनी है कि ये स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर रिवोक हुआ क्यों, व्हाट वर द रीजंस या कॉजेस बिहाइंड द रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, राइट, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर या व्हाट वर द थॉट्स बिहाइंड रिवोकिंग द स्पेशल स्टेटस। क्यों स्पेशल स्टेटस क्या हुआ है, रिवोक किया है इंडिया की गवर्नमेंट ने? फोकस रखेंगे, क्या समझ आता है आपको, व्हाट वर द रीजंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, कमाल होगी, सवाल पूछते टाइम ना आवाज एकदम गायब हो जाती है।
अच्छा जी, अच्छा आ रही है लिखना है आपने, आ रही है, अच्छा ठीक है जी, बताइए जी, एनीवन? जी जी मैं ऑडिबल तो हूं, मुझे बताइए जी। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड इंडिया रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, या आप कह सकते हैं व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, क्यों रिवोक किया है इंडिया ने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को? डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए, टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम अदर इश्यूज, टू टेल द वर्ल्ड दैट कश्मीर इज इंडियाज इंटरनल मैटर्स, टू काउंटर कश्मीर बाय ऑल मींस, ठीक है, सही कह रहे हैं, सारे के सारे सही कह रहे हैं, और क्या लगता है आपको सर? ताकि वो कश्मीर जाके जमीन ले सकें, शादियां कर सकें और बाद में आबादी बढ़ा के इलेक्शन करवा सकें, वेरी नाइस। नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन, टू सप्रेस कश्मीरी, टू शो दैट इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, रेफरेंडम में इजीली ज़्यादा वोट लेने के लिए, इलेक्शन नज़दीक थे, मे बी टू गेन अप्रूवल ऑफ जनरल मैसेज बींग अ पॉलिटिशियन, अगर कभी वो रेफरेंडम करें तो उनको वोट ज़्यादा मिल जाएं, इट इज़ द, अच्छा जी उमर कह रहे हैं, इट इज़, वाह उमर मैं आपके स्पेलिंग्स की दाद देता हूँ, इट इज़ इन द मोनोपूस्टो ऑफ नरेंद्र मोदी, मैनिफेस्टो लिखना होगा आपने, अच्छा। Modi wants favor from the country. It is always the policy of Prime Minister Modi. But सारे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बंदा जो है वो गलत नहीं कह रहा, और सारे लोग जो हैं वो गलत कह रहे हैं, ठीक है, जाइए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जरा कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। आप लोग सारी बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने इसको इसलिए रिवोक किया था क्योंकि मोदी साहब चाहते थे कि वहां पर एक डेमोग्राफिक चेंज आए। हमने आर्टिकल 370 और 35A में पढ़ा था कि लोग बाहर जाकर, बाहर से कश्मीर में आके सेटल नहीं हो सकते थे, राइट, बाहर से कश्मीर में आके लैंड बाय नहीं कर सकते थे, लोकल गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते थे, राइट, वहां पर एजुकेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, राइट, ये राइट्स तो आर्टिकल 35A में लिखे हुए। फिर आर्टिकल 370 था, और आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, नो अदर पावर्स शैल रिमेन विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट, All other powers shall remain with the state of Jammu and Kashmir. यानी तीन powers, finance की, right? आपके पास foreign policy और defence की जो powers हैं, वो किसके पास रहेंगी? इंडिया के पास, यानी सेंटर के पास, बाकी सारी powers किसके पास रहेंगी? कश्मीरियों के पास। मेरी बात समझ आती है? ये सारे के सारी powers हमने कल जो है last class के अंदर करी। अब आइए इसको understand करते हैं कि what were the reasons behind revocation of the special status of Kashmir? Point number one लिखते हैं। Point number one. हाँ जी, ये तीसरी मेन हेडिंग, पॉइंट नंबर वन देखिए जी, इट इज बिकॉज रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, इट इज बिकॉज द रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ Prime Minister Modi's election manifesto, was part of Prime Minister Modi's election manifesto. It was part of Prime Minister Modi's election manifesto. लिखा आपने, जरा फोकस रखिए पर। हम पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने या इंडिया ने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को इसलिए रिवोक किया था क्योंकि रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस जो था वो मोदी साहब के इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल था। नीचे रख दो, इट वाज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन मैनिफेस्टो। जरा मेरी बात को फोकस रखना है। 2002 में जब मोदी साहब बुचर ऑफ गुजरात हुआ करते थे तो उस दौर के अंदर भी मोदी साहब ने यही कहा था कि अगर मैं कभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना तो मैं दो काम करूंगा, एक काम यह करूंगा कि मैं स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक करूंगा और दूसरा काम मैं ये करूंगा कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करूंगा। मेरी बात समझ आती है? ये बात मोदी साहब क्यों करते थे? ये बात इसलिए करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बेसिकली एन अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट लीडर, राइट, उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट। मोदी साहब जिस पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं यानी बीजेपी, बीजेपी इज बेसिकली द ऑफ शूट ऑफ अनदर पोलिटिकल पार्टी, और उस पोलिटिकल पार्टी का नाम था आर एस एस।
हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उसका नाम था आरएसएस, मेरी बात समझ आती? और ये जो आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी थी ना, ये हिंदू नेशनलिज्म पे बिलीव करती थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहने चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉज लगने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ किसका है? हिंदुओं का। तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू लॉज लगने चाहिए और बाकी जितने भी रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं राइट, उनके राइट्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के नाम के अंदर ही हिंदू आता है, इसलिए यहां पर लॉज भी कौन से लगने चाहिए? हिंदू। इसी आरएसएस में से फिर एक और पॉलिटिकल पार्टी निकली और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुश्किल नाम है, आपको भी छोड़ दी, आरएसएस ही लिखे। आरएसएस में से एक नई पॉलिटिकल पार्टी निकली, नाम क्या था? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी के लीडर कौन है? मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बेसिकली द लीडर ऑफ बीजेपी, एंड बीजेपी वॉज एन ऑफ शूट ऑफ अनदर पोलिटिकल पार्टी कॉल्ड आरएसएस। और आरएसएस की अगर आप पोलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री निकाल कर देखें तो लीडर्स ऑफ आरएसएस बेसिकली वर इंस्पायर्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ नाजीज्म। लीडर्स ऑफ आरएसएस वर इंस्पायर्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ हिटलर। जितना हिटलर जो था वो सर्टन एक कौम के खिलाफ था, यानी यहूदियों के, तो ये भी उस कौम के खिलाफ है, यानी कि मुसलमानों के। मेरी बात समझ आती? जिस तरह हिटलर जो था वो एंटी ज्यू था राइट, आरएसएस एंटी मुस्लिम है। तो इनके जो अपने, फॉर एग्जांपल, इनका जो लिटरेचर है या इनकी जितनी बुक्स हैं आरएसएस की, वो मेजॉरिटी एंटी मुस्लिम राइट। तो जब आरएसएस की बुक्स, आरएसएस की आपके पास सारी आइडियोलॉजी वो सारी की सारी एंटी मुस्लिम है, तो आरएसएस में से जब बीजेपी निकलेगी तो जाहिर बात है बीजेपी की पॉलिसीज भी क्या होंगी? एंटी मुस्लिम। और बीजेपी के लीडर कौन है? मोदी साहब, जो के हिंदुस्तान के क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर। तो जिनके मैनिफेस्टो में शुरू से ही था कि मैंने जब राम मंदिर को तामीर करना है बाबरी मस्जिद की जगह, और फिर मैंने क्या करना है? आर्टिकल 370 को रिवोक करना है। तो जब उनको पावर मिली उन्होंने वो कर लिया। मेरी बात समझ आ रही? व्हेन दे ऑलवेज थॉट अबाउट इट, व्हेन दे हैड इट इन मैनिफेस्टो कि मैं जब भी पावर में आऊंगा मैं ये काम करूंगा अल्टीमेटली, तो जब उनको पावर मिली उन्होंने क्या किया? कर लिया। दे वर वेटिंग फॉर द टाइम ना, कि जैसे ही उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिले, उनको पावर मिले, और अल्टीमेटली उनके पास जो है वो उनके लोकसभा में यानी लोअर हाउस में और राज्यसभा में यानी अपर हाउस में उनके पास पावर हो, तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? इसको रिवोक कर देंगे। बात समझ आती? एंड दिस इज वॉट दे डू राइट। पॉइंट को लिखी गई रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस was always, revocation of special status was always part of, revocation of special status was always part of Prime Minister Modi's election manifesto. Prime Minister Modi's election manifesto. Revocation of special status was part of Prime Minister Modi's election manifesto. Since 2002, when he was just the Chief Minister of Indian Gujarat, since 2002, when he was the Chief Minister of Indian Gujarat, 2002 से इनके मैनिफेस्टो में शामिल थी बात कि हमने क्या करना है? 370 को रिवोक करना है। अब आपके जहन में दो तीन सवाल इकट्ठे आएंगे, जरा आपने मेरे साथ अंडरस्टैंड करना है, फोकस रखना है मेरी तरफ। सवाल नंबर एक, कि मैंने ये कहा कि मोदी साहब जब पावर में आए तो मोदी साहब ने इसको रिवोक कर दिया। सवाल नंबर एक, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर थे राइट, वो को पहली दफा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने 2019 में, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन 2014 एज वेल। तो ये मैनिफेस्टो 2014 में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ब्रेन्स हनी, सवाल आया ना जेन के अंदर, अब आया मेरे कहने पे जिन में है कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि उनके मैनिफेस्टो उनके था 370 को रिवोक करना, स्पेशल स्टेटस को रिवोक करना, तो फिर वो तो मैनिफेस्टो 2014 में भी था उनका जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो तब रिवोक क्यों नहीं किया? बड़े सादा सा सवाल है, समझिए। 2014 में जब मोदी साहब पावर में आए थे ना, तो मोदी साहब की पावर थी लोकसभा, लोकसभा यानी उनका
लोअर हाउस, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है, राइट। लोकसभा जो है हाउस ऑफ द कॉमन्स को कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहे हैं। इंडिया के लोकसभा में वो पावर में आए जिस तरह खान साहब नेशनल असेंबली में पावर में आए थे। और आपको ये बात पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी सेनेट के इलेक्शन 6 साल बाद होते हैं, इंडिया में भी राज्यसभा के इलेक्शन 6 साल बाद होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक हाउस से नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। 2014 में जिस टाइम मोदी साहब पावर में थे तो मोदी साहब के पास लोकसभा में पावर थी, अपर हाउस में पावर नहीं थी। और अगर मोदी साहब इसको उसको चेंज करने की कोशिश करते अपर हाउस में, तो कांग्रेस बैठी हुई थी राज्यसभा में, और उसने कांग्रेस ने क्या करना था, उसको खत्म कर देना था। इसलिए मोदी साहब का जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट नहीं होना था। 2019 में जब वो कंजेक्टिव दूसरी दफा पावर में आए लोकसभा में, तो अपर हाउस में भी जीते, वो राज्यसभा में भी जीते, यानी सेनेट में भी जीते। 2014 में वो सेनेट में नहीं थे, 2019 में वो सेनेट में भी जीत गए। तो जब दोनों हाउसेस में पावर उनके पास आ गई तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना उनके लिए आसान हो गया। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए होता है, राइट। आपको लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। मोदी साहब के पास 2014 में सिर्फ लोअर हाउस के अंदर पावर थी, अपर हाउस में नहीं थी, अपर हाउस में कांग्रेस जीती हुई थी, बात समझ आती। 2019 में वो लोअर हाउस में भी जीते और अपर हाउस में भी जीते, तो दोनों हाउसेज में पावर मिल गई उनके पास मैनिफेस्टो, उनको मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करना और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना उनके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। फोकस समझ आया? तो दैट इज व्हाई दे रिवोक्ड इट इन 2019, नॉट इन 2014। ये सवाल बनता है, इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया आपसे, आप कह रहे हैं ना मैनिफेस्टो में था तो 14 में क्यों नहीं किया, तब मैनिफेस्टो नहीं याद था? नहीं याद था सर, लेकिन उस टाइम लोकसभा में पावर थी, अपर हाउस में पावर नहीं थी। अपर हाउस में कौन था? कांग्रेस। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 370 रिवोक करना नहीं था, इनके मैनिफेस्टो में था। इसलिए जब ये दूसरे हाउस में भी जीते, अपर हाउस में भी, तब इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिवोक कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर टू पे आ गए, ठीक है जी। Is it right that Indian Apex Court restored the original status by cancelling Article 370-35? ऐसा कुछ भी नहीं, अभी केस चल रहा है उसके अंदर, ठीक, अभी केस चल रहा है उसके अंदर। और जो है वो अभी इस पे डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, अभी वो चलते हैं। बात समझ आ गई? पहला सवाल समझ आ गया आप लोगों को। अब है सवाल नंबर दो, सुने जरा, फोकस रखना अपने मेरी बात। एक सवाल तो समझ आ गया कि उन्होंने 2019 में रिवोक क्यों किया। सवाल नंबर दो, अगर आप लोग मेरी बात मान लें कि उनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पावर आ गई, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना क्या हो गया, आसान हो गया, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्यों आया था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस तो तब आता है जब आपको पता हो कि यार ये लॉ दोनों हाउसेस से पास नहीं होना, एक हाउस से पास होगा दूसरे से रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कब आता है? सदर अपना लॉ टेम्परेरी तौर पर कब देता है? जब सदर को पता हो कि यार एक काम जल्दी जल्दी करना है, राइट, क्योंकि अगर इसमें देर इसलिए होगी क्योंकि अपर हाउस में कोई और बैठा हुआ है, उन्होंने देर कर देनी, 120 दिन के लिए तो लॉ बन जाएगा ना, तो टेम्परेरी तौर पे दस्ती लॉ बनाते हैं। बात समझ आती है? और बाद 120 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, अपना तो फायदा हो गया ना 120 दिन के लिए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इंडिया के अंदर इसलिए आया था क्योंकि आर्टिकल 370 जिसको मोदी साहब ने रिवोक किया है, उसके आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 370 का जो सब क्लॉज 3 था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर है ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही रिवोक हो सकता है। इट वॉज रिटन इन आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 दैट द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर कुड ओनली बी रिवोक्ड थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ही रिवोक होना था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बगैर ये रिवोक नहीं हो सकता था। दैट इज व्हाई मोदी साहब ने इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए रिवोक किया। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फिर 6 वीक्स के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से पास भी होना है। तो अगर मोदी साहब 2014 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए पास करते तो लोकसभा ने पास कर देना था, राज्यसभा ने फेल कर देना था 6 वीक के अंदर अंदर। इसलिए मोदी साहब ने क्या किया, 6 वीक्स का इंतजार किया, राइट। 2019 में पावर में आए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जरिए रिवोक किया, दोनों हाउसेस से अप्रूवल करवा लिया। 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस दोनों हाउसेस से पास ना हो तो वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? अगर 2014 में मोदी साहब इसको रिवोक करते तो अपर हाउस ने भी तो पास करना था ना उसको, वहां पर कौन बैठा हुआ था, कांग्रेस, उसने इसको फेल कर देना था।
दैट इज वाई मोदी साहब ने 2019 में इसको रिवोक किया, ताकि जब अपर हाउस में वोटिंग के लिए जाए तो वहां पर भी हम कौन बैठा हो, हम ही बैठे हुए हूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको रिवोक किया 370 को, राइट, और दोनों हाउसेस से अप्रूवल करवा लिया। होकर समझ आ रही है? बात सादी सी इतनी सी है कि जिधर आप लोगों की सोच अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होती है ना, उनकी वहां शुरू होती है। ठीक है, जो बंदा 2002 से सोच रहा हो ना कि मैंने काम करना है और पक्का करना है, राइट, तो फिर वो क्या करता है, वो एब्सोल्यूट राइट टाइम को का इंतजार करता है। एब्सोल्यूट राइट टाइम, एब्सोल्यूट राइट टाइम आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट राइट टाइम का जो है ना इंतजार किया जरूर जाता है। मैं इसको एग्जांपल आपको इस तरह दे देता हूँ। आपको मैं कहूँ कि अच्छा भाई, आप एक काम करें, जो सात वाला प्लॉट है ना, इसको भी ना बेचें, अभी आपका ये 5 लाख का बिकेगा, अगर आप 2 साल इंतजार कर लेना तो 50 लाख का बिकेगा। आप क्या करेंगे, 2 साल इंतजार कर लेंगे। यानी आप राइट टाइम का इंतजार करते हैं ना, कि जब वो राइट टाइम के ऊपर कार्ड को प्ले किया जाए। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसका कश्मीर की एग्जाम्पल के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरली समझने के लिए कि स्टेट्स हमेशा राइट टाइम का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान के एक फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में ना एक वाकया लिखा इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने। इंडिया के जर्नलिस्ट का नाम था कुलदीप नायर। नाम क्या था? कुलदीप नायर। कुलदीप नायर ने अपनी किताब लिखी बियॉन्ड द लाइंस। क्या नाम लिखा? बियॉन्ड द लाइंस, कुलदीप नायर, वेरी फेमस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। अर्नाब गोस्वामी की तरह के नहीं, जिसको सुनता कोई नहीं है, राइट, इंडिया के अंदर। कुलदीप नायर वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, राइट, ही वॉज बेसिकली वेरी डियर टू पाकिस्तान। एफसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं, लालपुर में, फैसलाबाद में पैदा हुए थे, एफसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं कुलदीप नायर, वेरी फेमस जर्नलिस्ट। 3-4 साल पहले इनकी डेथ हुई, 93-94 ईयर्स की एज में। तो कुलदीप नायर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस के अंदर लिखा कि एक दफा कहता मेरी मुलाकात हुई जिनाह साहब के साथ, तो मैंने जिनाह साहब से कहा कि जिनाह साहब, अगर इंडिया और इंडिया के किसी और मुल्क के साथ जंग हो गई, आप तो चलो लैदा हो गए हैं ना, इंडिया के किसी और मुल्क के साथ जंग हो गई तो क्या पाकिस्तान इंडिया की हेल्प करेगा? इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर स्टेट, विल पाकिस्तान हेल्प इंडिया? तो जिनाह साहब ने कहा हाँ करेगा पाकिस्तान हेल्प इंडिया। तो कुलदीप नायर लिखते हैं कि 62 के अंदर ना हमारी चाइना के साथ जंग शुरू हुई, तो कहता मैंने ना जाके भागा जाके मैं ना जवाहरलाल नेहरू को बताया कि मेरी ना जिनाह साहब से बात हुई थी, और जिनाह साहब ने मुझे कहा था कि अगर जंग हुई ना तो इंडिया को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान, तो ऐसा करो कि तुम ना लेटर लिखो अयूब खान को और उसे कहो कि कुलदीप कह रहा है कि जिनाह साहब ने उनसे वादा किया कि ना अगर इंडिया की जंग होगी ना किसी मुल्क के साथ तो हम उसकी हेल्प करेंगे। कहता ठीक है। कहता जी, उन्होंने लेटर लिख दिया, लेटर लिखा, कहता 2 दिन बाद उसका रिप्लाई आया, तो कहता कि इन्होंने मुझे बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कहता मैं गया तो कहता उन्होंने कहा जी लेटर आ गया है, पढ़ो उसको क्या लिखा है इसके अंदर। तो कहता लेटर में लिखा हुआ था अयूब खान की तरफ से कि इंडिया इज करेंटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर नॉट अटैकिंग इंडिया, दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, राइट। तो कहता कि वो जो सपोर्ट करना था ना जंग के अंदर वो तो दूर की बात है, कहता उसने कहा कि भाई जान यू आर करंटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी कुड हैव अटैक्ड यू, राइट, बिकॉज चाइना हैज ऑलरेडी अटैक्ड यू, बट वी कैन नॉट, वी आर नॉट अटैकिंग यू, दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू। तो कहता उसके इनके बाद से जनाब बड़ी परेशानी हुई, उसके बाद कहता हम जंग हार गए, और कहता एक दिन मैं और जो है वो लाल बहादुर शास्त्री उनके प्राइम मिनिस्टर, कहता हम एक जगह बैठे हुए थे जंग हारने के बाद, कहता अफसोस में थे हम उस रात, फिर हम 2 बजे तक पिया, मतलब ये नहीं लिखा उसने, मतलब वैसे ही उसने कहा कि उसने बड़े काफ़ी अफसोस में बैठे हुए थे। तो कहता उस दिन लाल बहादुर शास्त्री ने मुझे कहा कि अगर पाकिस्तान आज हमारी हेल्प करता ना उसके बदले वो हमसे कश्मीर भी मांगता तो हमसे मना ना होता, लेकिन कहता कि पाकिस्तान ने हमारी हेल्प जो है वो नहीं की, लेकिन कहता मुझे याद था कि मुझे ना जिनाह साहब ने ये बात कही थी। मुझे लगता है जिनाह साहब ने कहा होगा ना कि बच्चा छेड़ने आ रहा हो ना किसी को, आप करेंगे ऐसा? हाँ यार करेंगे, तो यार इन तुझे लेके जाओ यार, ठीक है, वो होता नहीं इंसान मगरों लाने के लिए, उसको कहता हाँ यार करेंगे करेंगे, जा तू चल पुत्र चल चल चल। जारी बात है भाई, उसे कुलदीप नायर 47 में कितनी एज होगी उसकी, अगर अब उसकी 3-4 साल पहले उसकी डेथ हुई, मतलब ऑब्वियसली ही वाज लाइक मे बी 15-20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, एंड जनाह साहब जो जनाह साहब थे, बात समझ आ रही? वालेकुम सलाम। अजी तो मैं पॉइंट ये रेज करना चाह रहा था, अब जो पॉइंट मैं आपके साथ, ये इधर आ जाएंगे, सारे बैग्स पड़े हैं, इधर आ जाएंगे। अच्छा तो मैं जो पॉइंट आपके सामने रेज करना चाह रहा था, जरा मेरे पॉइंट को जरा फोकस करें, वो वाकया जो कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा है जिसका ताल्लुक कश्मीर के साथ बनता है, हम आपको वाकया समझाना चाहते हैं। कुलदीप नायर कहते हैं कि 1977 में ना, फोकस रखिए मेरी तरफ, 1977 में हमें शक पैदा हुआ कि पाकिस्तान ना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे, शक हमें इस तरह पैदा हुआ कि हमें पता चला कि इनका एक ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान आया है और उसका नाम अब्दुल कदीर खान है,
क्योंकि कहता कि हमने यानी इंडिया ने 1974 के अंदर अपना एटॉमिक टेस्ट कर लिया हुआ था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहते थे, राइट। तो कहता क्योंकि हमने अपना ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया हुआ था, तो हमें था कि पाकिस्तान उसको रिट्रेलिएट तो करेगा, पाकिस्तान उसके बदले के अंदर अपना वेपन तो बनाएगा। और कहता फिर हमें यह भी पता चला कि अब्दुल कदीर खान नाम का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान भी पहुंचा है। लेकिन कहता हमें यह कंफर्म नहीं था कि क्या वाकई पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। कहता इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपना और अब्दुल कदीर खान का एक म्यूचुअल दोस्त ढूंढा, जो कदीर खान का और मेरा म्यूचुअल दोस्त था, और उसको जो है मैंने कहा कि यार मेरी जरा कदीर खान से मुलाकात तो करा, मैं जर्नलिस्ट हूं, पता जर्नलिस्ट हैं, दो चार सवाल करूंगा चला जाऊंगा वापस। कहता उस म्यूचुअल दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कदीर खान से मुलाकात करवाता हूं। कहता उसको मैंने रिक्वेस्ट की 77 में और उसने मेरी मुलाकात कराई 1984 में। कहता आई टुक हिम 7 years जस्ट टू फाइनलाइज अ मीटिंग विद अब्दुल कदीर खान। कहता मैं 1984 में पाकिस्तान पहुंचा, मैं अब उनके घर चला गया कदीर खान साहब के। अब कदीर खान के कहता घर में हम ना कमरे में बैठे हैं, तीन बंदे, मैं, कदीर खान और हमारा म्यूचुअल दोस्त, और हमारे तीनों के हम आपस में बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और कहता जब भी मैं कदीर खान से ये बात करूँ ना, कदीर खान यूज टू चेंज द टॉपिक, वो बात ही बदल दे, कहता इधर की शुरू हो जाए, कभी इधर की शुरू हो जाए। कहता फिर मैं वापस लेकर आऊँ उसको न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, वो फिर कहीं और ले जाए बात को। मैंने कहा यार ये काम तो बड़ा खराब है, मैं तो इतनी दूर से इसे पूछने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है कि नहीं बना रहा, और ये मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। उसने ना अपनी किताब के अंदर, कुलदीप नायर ने अपनी किताब में आगे एक लाइन लिखी है, इवन तो मैं उनकी लाइन से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो उन्होंने लाइन में लिखा हुआ है। आप लोगों को भी बुरा लगे तो भाई जान उनको जाके पकड़े, मुझे नहीं। कदीर खान ने लिखा अपना, कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने सोचा कि ये पाकिस्तानी है, ऊपर से ही पठान है, इसको ना थोड़ा इमोशनल करना पड़ेगा, और अगर ये इमोशनल हो गया ना ये मुझे सब बता देगा, क्योंकि पाकिस्तानी और पठान थोड़े इमोशनल होते हैं। और मैंने भी सोचा क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये पठान है, इसको इमोशनल कर दूंगा ना मैं, तो मुझे सब बता दें। कहता मैंने कदीर खान को कहा कि सर वो चलें ठीक है, आपने इस बारे में बात नहीं करनी तो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पे ये जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी आर्टिकल्स लिखे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और कहा है कि जनाब पाकिस्तान के पास ना दमखम नहीं है वैसे कि न्यूक्लियर वेपन बना, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास एक्सपर्टीज है, ना इनके पास कोई बंदा है जो इस चीज़ को लीड कर सके, राइट, आपका इस बारे में क्या ख्याल। कहता बस इतनी सी मैंने बात की, एंड ही स्टूड अप फ्रॉम हिज सीट, जो चाय का कहता हम पी रहे थे वो प्याली उठा के तो उसने दीवार में मारी, राइट। कहता वैसे क्यों इमोशनल आदमी था, कहता दीवार में उसने प्याली मारी, एंड ही पॉइंटेड फिंगर एट मी एंड सेड टू मी गो टेल देम वी हैव ऑलरेडी मेड इट। कहता इट वाज बैक इन 1984, कहता कि उसने मुझे कहा कि गो टेल देम वी हैव ऑलरेडी मेड इट। कहता मैंने आगे बड़ा रोला डाला कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, तुम लोग पता नहीं सत्तू पी के सो रहे हो, वो न्यूक्लियर वेपन्स वहां बनाई बैठे। कहता लोगों ने कहा कि नहीं वो इमोशनल हुआ हुआ था, उसने इमोशनल होके तुम्हें कहा होगा। तो कहता उसको मैंने कहा बेटे जिस तरह उसने मुझे उस टाइम उंगली की है ना, ठीक है ना, वो उस टाइम इमोशनल नहीं था, वो जिस तरह मुझे इशारा कर रहा था ना उस टाइम, वो मुझे समझ आ रही थी कि वो उस टाइम इमोशनल नहीं था, पता चल जाता इंसान को, इंसान फड़े मार रहा है या उसने बाकी। कहता जो उसने ही पॉइंटेड फिंगर एट मी एंड सेड टू मी गो टेल देम वी हैव ऑलरेडी मेड इट। अब ये बात साबित कहां से होती है, ये बात साबित होती है कि जब 1999 में ना कदीर खान साहब का एक इंटरव्यू आया था बीबीसी के ऊपर, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आप जाके देखेंगे मिल भी जाएगा, तो बीबीसी की जर्नलिस्ट ने कदीर खान से पूछा कि मिस्टर खान 1990 में जब बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट थी, पेंटागन यूएस से आपको एक लेटर मिला था कि हमें शक है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं 1990 में, राइट, तो पेंटागन ने आपको लेटर भेजा था, तो क्या वाकई लेटर मिला था आप? कदीर खान रिप्लाइड यस वी डिड रिसीव द लेटर इन 1990 ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ बेनजीर भुट्टो, बट दोज बास्टर्ड्स वर 6 years बिहाइंड अस, दे डिडंट नो दैट वी ऑलरेडी मेड इन 84, राइट। कहता उनको ये पता ही नहीं था कि 84 में बना के रख चुके हुए थे। कहता कि मैंने जियाउल हक को कह दिया था कि सर वी रेडी टू ब्लास्ट, वी रेडी फॉर एज फार एज द न्यूक्लियर वेपन्स इज कंसर्न। जियाउल हक ने कहा था कोई जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान की जंग चल रही है, पैसा आ रहा है बाहर से, ठीक है, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कंट्रोल उधे कंट्रोल, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो कदीर खान ये बात करते हैं कि अगर हम 1984 में धमाका करते तो पाकिस्तान एक एग्रेसर कंट्री बनता और पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी ज्यादा लगती, लेकिन वी वेटेड फॉर द राइट टाइम टू प्ले आवर कार्ड्स, एंड द राइट टाइम वाज कि इंडिया ने 11/5/98 को धमाके किए और हमने उसके बदले में 28/5/98 को धमाके किए। अल्लाह के वली आपने 17 दिन में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए, यू आर वेटिंग फॉर एन एब्सोल्यूट राइट टाइम टू टेक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज। आप एग्रेसर की बजाय डिफेंसिव कंट्री बने,
और आप पे सैंक्शंस भी ज्यादा नहीं लगेंगे। स्टेट्स हमेशा अपना कार्ड्स खेलते वक्त राइट टाइम का इंतजार करते हैं, और वो जो राइट टाइम जब उनके पास आता है वो अपने कार्ड को खेल देती है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर 2014 के अंदर मोदी साहब को इस तरह की हरकत करते, क्योंकि उनके पास अपर हाउस में पावर नहीं थी, तो पाकिस्तान ने एकदम चुकन्ने हो जाना था कि ये कुछ ना ये कुछ करने लगे हैं, ये फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो पाकिस्तान के पास टाइम होता 4-5 साल का कि वो उस दौरान कोई ना कोई क्या कर लेते, प्लानिंग कर लेते, इसको रिवोक होने से रोकने के लिए कुछ कर लेते। बट दे टुक द वर्ल्ड बाय सरप्राइज एंड अचानक उन्होंने फैसला किया कि हमने आर्टिकल 370 क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। मेरी बात समझ आती है? तो ये याद रखना है आपने कि स्टेट्स का हमेशा चक्कर ये होता है कि स्टेट्स राइट टाइम का इंतजार करती हैं, और वो राइट टाइम कब आता है ये स्टेट खुद डिसाइड करती है। ये मेरी बात समझ आ रही है? हर स्टेट का अपना राइट टाइम उसके हिसाब से होता है, राइट? और मोदी साहब के हिसाब से वो राइट टाइम क्या था, 5th August 2019। ये बात समझ आ गई आपको? अगले पॉइंट पे चलिए, पॉइंट नंबर टू लिखिएगा जी। इंडिया रिवोक्ड दिस स्पेशल स्टेटस, इंडिया रिवोक्ड दिस स्पेशल स्टेटस बिकॉज ऑफ अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट इदरीस को, बिकॉज ऑफ अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज ऑफ अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। बात समझ आ रही? और ये हमेशा से इनकी पॉलिसी रही है। इनकी जो पॉलिसी है ना, अल्ट्रा हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसी, अब वो क्या पॉलिसी है मैं समझाता हूं। इनकी पॉलिसी के ना दो पार्ट्स हैं। उस पॉलिसी का नाम है हिंदुत्वा। क्या नाम है? हिंदुत्वा पॉलिसी। हिंदुत्वा, हिंदुत्वा का लफ्जी मतलब है हिंदू वे ऑफ लिविंग। क्या मतलब होता है? हिंदू वे ऑफ लिविंग। और हिंदुत्वा पॉलिसी के दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अखंड भारत। क्या नाम है? अखंड भारत। अखंड, अखंड कहते हैं यूनिफाइड को, इकट्ठा, अखंड, टुगेदर, यूनिफाइड। और दूसरा पॉइंट है आपके पास, पहला है अखंड भारत और दूसरा है आपके पास हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्वा आइडियोलॉजी और हिंदुत्वा पॉलिसी के दो पॉइंट्स हैं, अखंड भारत और दूसरा पॉइंट है हिंदू राष्ट्र। राष्ट्र कहते हैं स्टेट को। बात समझ आ रही है? हिंदुत्वा का मतलब क्या है? हिंदू वे ऑफ लिविंग। अखंड भारत का मतलब क्या है? यूनिफाइड इंडिया। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू स्टेट। बात समझ आती? फोकस रखें मेरी बात में। तो फिर हिंदुत्वा आइडियोलॉजी का पूरा मतलब क्या हुआ? फोकस रखिए। मोदी साहब ऐसा अखंड भारत, यूनिफाइड इंडिया बनाना चाहते हैं जो कि एक हिंदू स्टेट हो, और हिंदू स्टेट जब बनेगी तो वहां पर हिंदू वे ऑफ लिविंग लगेगा। एक ऐसा यूनिफाइड इंडिया जहां पर हिंदू स्टेट हो, और हिंदू स्टेट होगी तो लॉ किसका लगेगा? हिंदुओं का, ठीक है? हिंदू वे ऑफ लिविंग लगेगा तो क्या होगा वहां पर? हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट होगी। अखंड भारत मतलब यूनिफाइड इंडिया, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू स्टेट। एक ऐसा यूनिफाइड इंडिया जो कि हिंदू स्टेट हो, जब हिंदू स्टेट होगी तो लॉ किसका लगेगा? हिंदुओं का। मेरी बात समझ आ रही? अब आपको यह बात पता है कि इंडिया की 29 स्टेट्स हैं। उन 29 स्टेट्स में से 28 स्टेट्स के अंदर जो है वो हिंदू मेजोरिटी में, उनकी पावर ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। एक उनकी स्टेट थी जिसका नाम था कश्मीर, यहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ था, 370। बाहर से लोग आके वहां पर सेटल हो नहीं सकते थे। तो यूनिफाइड इंडिया और अखंड भारत तब बनेगा ना जब सारे के सारी स्टेट्स में हिंदू मेजोरिटी होगी। जब सारी स्टेट्स में हिंदू मेजोरिटी होगी तभी वहां पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी लगेगी। लेकिन सारी स्टेट्स में हिंदुत्व मेजोरिटी है इसलिए नहीं क्योंकि एक स्टेट ऐसी जहां पर मुसलमानों की मेजोरिटी है। मुसलमानों की मेजोरिटी इसलिए है क्योंकि वहां पर 370 लगा हुआ है जो कि रोकता है बाहर के लोगों को सेटल ना होने से। अगर मैं 370 खत्म कर दूं तो बाहर के लोग जाके कश्मीर में सेटल हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। जब वो कश्मीर में सेटल हो सकते हैं तो हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की कम होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली हिंदुत्व आइडियोलॉजी में फिट हो जाएगा।
कश्मीर को हिंदुत्व आइडियोलॉजी में ऐड करने के लिए हिंदुओं की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है वहां पर, क्योंकि 28 स्टेट्स में तो हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, 29th में मुसलमानों की ज्यादा थी, और आप हैं भी बीजेपी के जो कि एंटी मुस्लिम है, राइट? फिर आपकी पॉलिसी है हिंदुत्व के हिंदू वे ऑफ लिविंग लगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में मेजोरिटी किस रिलीजन की है? इस्लाम की। इस्लाम की मेजोरिटी है तो रूल किसका लग रहा है? इस्लाम का। आप मुझे बताएं जहां पर इस्लाम की मेजोरिटी वहां हिंदू रूल लग सकता है? नहीं लग सकता। हिंदू रूल लगाने के लिए आपको पाकिस्तान में किसकी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी? हिंदुओं की। जब हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में होगी तो रूल किसका लगेगा? हिंदुओं का। तो कश्मीर में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो हिंदुत्व रूल तो लग ही नहीं सकता था। हिंदुत्व रूल कश्मीर में तब लगना था जब मुसलमानों की पॉपुलेशन कम होनी थी और हिंदुओं की बढ़नी थी, और हिंदुओं की बढ़ सकती नहीं थी क्योंकि बाहर के हिंदू आके कश्मीर में सेटल हो नहीं सकते थे। तो बाहर के हिंदुओं को कश्मीर में सेटल करवाने के लिए वहां के लॉज खत्म करने पड़ने थे जो कि रोकते थे कि बाहर के लोग आके कश्मीर में सेटल ना हो। तो वो कौन सा लॉ था जो बाहर के लोग को सेटल होने से रोकता था? 370, उन्हें रिमूव कर दिया ताकि बाहर के लोग आके वहां पे क्या हो, सेटल हो, हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ती जाए, मुसलमानों की कम होती जाए, ये ऑटोमेटिकली हिंदुत्व आइडियोलॉजी में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? कल तक की डेट के मुताबिक मैं चेक कर रहा था, कल तक की डेट के मुताबिक 4.6 मिलियन हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल इशू हो चुका हुआ 2019 के बाद। 4.6 मिलियन हिंदूज हैव बीन इशूड द डोमिसाइल ऑफ कश्मीर। 4.6 मिलियन यानी 46 लाख। अब इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर आपका डोमिसाइल होगा तो आपको वहां पर राइट टू वोट भी है, आप वहां पर सेटल भी हो सकते हैं, घर भी बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए ना, अंडरस्टैंड करें, आपके आईडी कार्ड पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वोट आप वहीं कास्ट करते हैं ना, राइट? तो अगर आपको डोमिसाइल इशू हो गया कश्मीर का, तो इसका मतलब आप कश्मीर में जाके क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, वहां पर वोट भी कास्ट कर सकते हैं। कल को फायदा ये हो जाएगा कि कल को जनाब प्लेबिसाइट भी करवाना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने तो कहा था कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे, तो मोदी साहब ने कहा कि मोदी साहब कहेंगे भाई जान प्लेबिसाइट करवाना हमने वादा किया था, लेकिन ये तो नहीं ना कहा था कब करवाएंगे, आई अब करवा लें। वो कब करवाएंगे जब ऑलरेडी हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी? वो तब वो वहां पर प्लेबिसाइट करवाएं, प्लेबिसाइट करवा के वो सारा कुछ किसके हवाले, इंडिया के हवाले, कैसा फिर कैसा दिया? बात समझ आ रही? तो ये प्लान सारे का सारा, मैं फिर वही कह रहा हूं, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोच खत्म होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर उनकी शुरू होती है, वेरी लॉयल टू देयर कंट्री एंड वेरी लॉयल टू द पॉलिसीज दैट दे क्रिएट। दो पॉइंट समझ आ गए, तीसरे पॉइंट क्या? पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिएगा जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिवोक दिस स्पेशल स्टेटस, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिवोक दिस स्पेशल स्टेटस टू डाइवर्ट the attention of his own people, divert the attention of his own people from his own economic failures, from his own economic failures. Prime Minister Modi revoked the special status of Kashmir to divert the attention of his own people from his own economic failures. Ab is point ko zara understand karna bada zaruri hai. Modi sahab jab 2014 mein power mein aaye na, to Modi sahab ka nara tha acche din ka, acche din. Aapko pata hai har ek political leader jo hota hai na, jo ke nationalist political leader hota hai, populist hota hai, wo apna ek nara banata hai. Jisna President Biden ne jo hai wo nara banaya tha ki America is back. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, राइट? कहीं अमेरिका फर्स्ट है, कहीं अमेरिका बैक है। मोदी साहब ने कहा अच्छे दिन, हिंदुस्तान में क्या आ रहे हैं? अच्छे दिन। कहीं अच्छे दिन बन रहे थे, कहीं अमेरिका वापस आ रहा था, कहीं अमेरिका फर्स्ट था, तो क्या कहीं नया पाकिस्तान बन रहा था। हर पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्ट लीडर कहीं ना कहीं अपना एक ऐसा नारा जरूर बनाता है जो कि अवाम में मकबूल होता है, जो अवाम सुनना चाहती है, राइट? तो किसको बुरा लगेगा कि अच्छे दिन आ रहे हैं हिंदुस्तान में? सारे कहेंगे मोदी साहब ठीक है, नया पाकिस्तान बनाना है जनाब, दो नहीं एक पाकिस्तान, सबका एक पाकिस्तान। बात समझ आती? वाह कहते क्या बात है जनाब, सारे लक में जनाब एक बंदे के पीछे।
दुनिया में हर जगह ऐसे होता है, दिस इज नॉट कि हम ही बेवकूफ हैं, दुनिया में हर बंदा ही बेवकूफ। नेशनलिज्म के नाम के ऊपर दुनिया के हर बंदे को बेवकूफ बनाया जा सकता, तुम सुप्रीम हो बाकी सब इंफीरियर है। हाँ बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सुप्रीम, हम तो बार शादी तक नहीं करते अपनी बरादरी से, हम सुप्रीम हैं। बात समझ आती है, हर बंदे को ये चीज़ आप बस आपने हल्का सा अगले बंदे के ना कान में बात डाल दी। हमारे दुनिया में हर जगह ऐसी एग्जिस्ट कर, दिस इज नॉट दैट वी आर बेसिकली दैट काइंड ऑफ पीपल, एवरीवेयर दिस इज दिस काइंड ऑफ पीपल। यूएस के अंदर भी कहीं अमेरिका फर्स्ट है, कहीं अमेरिका बैक है, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन की बात हो रही है कहीं, तो दिस इज वॉट हैपन्स। सो पॉइंट बड़ा सिंपल सा, मोदी साहब ने अच्छे दिन का नारा लगा दिया और कहा कि जनाब मैं एक इकोनॉमी को रिवाइव करूंगा और इकोनॉमिक सुपर जॉइंट बनाऊंगा हिंदुस्तान को, राइट, और जो कि बनाते भी फिर रहे हैं, राइट, ब्रिक्स को भी एक्सपैंड कर रहे हैं और बाकी सारा कुछ को। लेकिन 2019 में ना प्रॉब्लम ये थी कि 2019 में ना इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही नीचे थी, बहुत ही नीचे इंडिया की इकोनॉमी थी। अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 6.1% था 2019 में, कितना 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, फोकस रखें मेरी बात। पाकिस्तान का हमारा इस वक्त ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 6.5% है, हमारा पाकिस्तान का इस वक्त कितना है 6.5%, और इंडिया का उस टाइम कितना था 6.1%। हमारी 25 करोड़ की पॉपुलेशन का 6.5%, उनकी 1.5 अरब की आबादी का 6.1%। आप इमेजिन करें कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना होगा, 25 करोड़ का 6.1% निकाल लें और 1.5 अरब का 6.1% निकाल लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रही। लोग वहां पर कंपनीज बैंकक्रप्ट होती जा रही थी, राइट, ये आपके पास जो है जेट एयरवेज उनकी एयरलाइन थी बैंकक्रप्ट हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि सिर्फ एयर इंडिया जो उनकी हमारी PIA है, उनकी एयर इंडिया को एक साल में 7600 करोड़ इंडियन रुपीज का नुकसान हुआ था, 7600 करोड़ एक साल में 7600 करोड़ का नुकसान हुआ था एयर इंडिया को। दैट इज वाई उन्होंने एयर इंडिया जो है बेच दी टाटा को, प्राइवेटाइज कर दी बाद में। लेकिन पॉइंट ये समझाने वाला है कि इंडिया में हर बंदा मोदी साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या कर रहा था, लान तान कर रहा था कि यार कहां है अच्छे दिन भाई, जिसके तुमने हमें वादे दिखाए थे। अब ऐसे सिनेरियो में जब हर बंदा आपकी पॉलिसीज पर लान तान कर रहा हो, तो आपको ना कोई ऐसी चीज चाहिए होती है ताकि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट होके उधर चली जाए और मेरे ऊपर कोई लान तान ना करे। लेकिन आपने मेरी बात को याद रखा, अगर कोई चीज गलत हो रही है और आप चाहते हैं कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो उस चीज से, तो आपको कोई ऐसी न्यूज चाहिए जो उस पुरानी चीज से ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि अगर उससे बड़ी न्यूज होगी तो ही अटेंशन डाइवर्ट होगी। बात समझ आती है, छोटी न्यूज होगी तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगी। बात समझ आती है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि मोदी साहब से इकॉनमी नहीं चल रही, राइट, सब बंदे गालियां निकाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। तो ऐसे सिनेरियो में इससे ज्यादा बड़ी न्यूज क्या हो सकती है कि लोगों की टेंशन डाइवर्ट हो, कश्मीर का कार्ड खेल दिया उन्होंने। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कश्मीर को रिवोक करूंगा, तो मैंने किया। अब मैंने तुमसे वादा किया हुआ है कि अच्छे दिन आएंगे तो मैं उसको भी पूरा करूंगा। बिल्कुल ठीक है मोदी साहब, मेरी बात समझ आती है। यू नीड दैट काइंड ऑफ अ स्टांस जस्ट टू टेल द पीपल कि आई नो माई जॉब। डाइवर्ट करना अटेंशन को इस बात के ऊपर उन्होंने किया, डाइवर्ट कर दिया टेंशन को सारे का सारे। बात समझ आती है। अब आपको इसी एग्जांपल देते हैं, मोदी साहब इससे पहले भी बहुत दफा लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी हरकतें कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके बाद भी बड़ी दफा हरकतें की। मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ, अभी जरा फोकस रखें मेरी तरफ। आपको मैंने नीचे रखना चाहिए, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि मोदी साहब के मैनिफेस्टो में कितनी बातें थी, दो। पहली बात क्या थी, आर्टिकल 370 को रिवोक करना। दूसरी बात क्या थी, बाबरी मस्जिद का राम मंदिर को तामीर करना। राम मंदिर को तामीर करना किसकी जगह पर, बाबरी मस्जिद की जगह। मेरी बात समझ आती है, जरा फोकस रखें। उन्होंने 370 कब रिवोक किया है, 5th अगस्त 2019। यहां तो बात समझ आ गई, यहां तो मेरे साथ है ना आप, आगे चलिए फोकस रखें मेरी तरफ। सितंबर 2019 यानी रेवोकेशन से अगले महीने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हुआ कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर होगा या नहीं होगा, इसका फैसला हमने कर लिया है और इसका फैसला हम आपको देंगे जनवरी 2020। हम फैसला सुनाएंगे कब, जनवरी 2020 में।
कि क्या राम मंदिर की जगह सॉरी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर होगा या नहीं होगा, वेदर राम मंदिर विल बी बिल्ट ऑन द प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद और नॉट। कब फैसला सुनाया जाएगा? जनवरी 2020। बात समझ आ गई? जिसको कहते हैं ना फैसला महफूज कर लेना। आपको याद होगा जब, अगर आपको थोड़ा सा शौक है ये न्यूज के देखने का, तो जब मियां साहब को सजा हुई थी ये इसको मियां नवाज शरीफ को, तो तब भी उनका फैसला जो उन्होंने कहा जी हमने महफूज कर लिया है फैसला, ठीक है तो हम थोड़ी दिनों के बाद आपको सुनाएंगे क्योंकि अभी तक हम तक नहीं पहुंचा फैसला, तो जब हम तक पहुंचेगा तो हम आपको भी सुना देंगे कि क्या फैसला आया। बात समझ आ गई? तो फैसला महफूज करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जनाब फैसला, क्योंकि डिटेल लिखनी होती है ना उसकी, 40-50 सफों के फैसले होते हैं, एक दिन में तो नहीं लिखे जाएंगे, आपको टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए उसका फैसला। तो उसमें उन्होंने कहा जी जनवरी 2020 में हम आपको फैसला सुनाएंगे कि राम मंदिर तामीर हो रहा है या नहीं हो रहा। जरा तो फोकस रखें मेरी बात पे, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, अटेंशन डाइवर्ट करना। 9 नवंबर 2019 को खान साहब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान ने कब इनॉग्रेट किया? 9 नवंबर 2019 को। और जब 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ, तो इंडिया के बड़े बड़े डिग्निटरीज, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो उनके पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। इंडियन जो पंजाब था उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। बड़े बड़े डिग्निटरीज पाकिस्तान आए हुए हैं क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है, राइट? और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही है कि जनाब पाकिस्तान ने, जनाब देखें जी, सिखों के लिए ये किया और सिखों के राइट्स दिए और सिखों के लिए पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज के लिए बड़ी अच्छी जगह है और ये है वो है। हिंदुस्तान का मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। अब जारी बात है, वो बंदा जो बीजेपी का लीडर हो और जो कि आरएसएस से निकली हो, जो कि वैसे ही एंटी मुस्लिम है, तो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है मेरे मुल्क में। तो व्हाट हैपेंड कि 9 नवंबर 2019 को सुबह के टाइम जब करतारपुर कॉरिडोर इनॉग्रेट हो रहा था, एग्जैक्ट उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया कि राम मंदिर तामीर होगा इन प्लेस ऑफ बाबरी मस्जिद। The decision which was supposed to be given in January 2020, why it was given on the day when Kartarpur was inaugurated, just to divert the attention of people from Kartarpur to something else. You need a much bigger news than Kartarpur to divert the attention of people. And what bigger news than Kartarpur? Construction of Ram Mandir. Divert karna attention, ye pehle bhi inki khaslat mein maujood tha. ये इसके बाद भी करते रहे, मेरी बात समझ आती है? तो जब मैं कहा है कि मैं इकॉनमी बेहतर करूंगा, तो मैं इकॉनमी बेहतर करूंगा, नहीं यकीन आ रहा मोदी साहब हमारे हमें आपके ऊपर कि आप इकॉनमी बेहतर करेंगे, ये लो 370। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं 370 रिवोक करूंगा, जी कहा था, कर दिया, इकॉनमी बेहतर कर लूंगा मैं तुम्हें, ठीक हो गया जी मोदी साहब, मैं आपके पीछे। और मोदी साहब की आप उस काम के बाद आप मोदी साहब की तरफ विक्ट्री देखना जो उन्होंने इलेक्शन जीता था, राइट? पहले 292 सीट्स थी उनके पास लोकसभा में, ये हरकत करने के बाद होना तो चाहिए था कि इकोनॉमी की वजह से उनकी सीट्स कम होती, सर नेक्स्ट टाइम वो 303 सीटें जीते, ज्यादा सीटें जीते हैं वो, मेरी बात समझ आती? जस्ट बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि वी नीड टू ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो क्या समझ आ रहे हैं? तो द थर्ड पॉइंट वॉज ही डिड द डर्टी थिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल from his own economic and financial failures to something that's baat samajh aa gayi, teesra point samajh aa gaya, chauthe number pe aa gaya, why ram mandir specifically at the babri masjid place, kyunki wo ye kaha jata hai ke matlab ancient history ye kehti hai ke jo hindu god ram the unka janam hua tha yahan par jis jagah par babri masjid banayi gayi। तो वो कहते हैं कि जनाब पहले यहाँ पर एक राम मंदिर हुआ करता था, राइट? तो हिंदुस्तान में जब जो है वो औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराकर इसकी जगह मस्जिद बना दी अपने लकड़ दादे के नाम के ऊपर, बाबरी मस्जिद के नाम पे, मेरी बात समझ आती? औरंगजेब ने बनवाई जिसने बनवाई, लेकिन मुगलों के दौर में मस्जिद बन गई, तो उन्होंने वो मंदिर क्या कर दिया, गिरा दिया। तो हमें बेसिकली वो राम का जो घर है वो वापस तामीर करना है, क्योंकि हिंदू गॉड राम वॉज बॉर्न हियर एट दैट प्लेस अयोध्या के। तो ये उनकी एक आइडिया है जिसकी बेसिस पे वो राम मंदिर को तामीर करने की बात है। ये मेरी बात समझ आ गई, आइडिया क्लियर हो गया, तीन बातें समझ आ गई, चौथे पे आ गए। पॉइंट नंबर 4, इंडिया इंटेंड्स
इंडिया लिखें या भारत लिखें आजकल समझ नहीं आ रही आजकल, बट अजीब सी डिबेट चल रही है। वो कहते हैं जनाब हमने इसको इंडिया करना है, इसको भारत करना। अच्छा मजे की बात पता क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज भारत विल बी यूनियन ऑफ टेरिटरीज। तो भारत का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसना टर्की ने अपना ऑफिशियल नाम टर्की ए कर लिया, राइट, आई वाई ई कर दिया, राइट, बेंगलोर का नाम उन्होंने बेंगलुरु कर दिया, बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया। अब वो सोच रहे हैं कि जनाब इंडिया का नाम क्या कर दें, भारत। बात समझ आती? तो भारत उन्होंने कहा जी सोच रहे हैं कि अब ये एक नाम कर दिया जाए, सारा कुछ पता नहीं है भारत इसके अंदर क्या करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी दफा डिबेट चली थी, बड़े एक दफा वो इत्तफाकन ये हुआ कि मैं हाल रोड पे खड़ा था, तो हाल रोड के ऊपर ना होता नहीं, अब पाकिस्तान में हर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन चलती है, जिसके पास दिल करता है वो कैमरा पकड़ता है, माइक पकड़ता है, साफी बन जाता है। आपको डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री चाहिए, आपको इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, आपने वकील बनना है तो आपको लॉ करना है, लेकिन अगर आपको साफी बनना है तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक माइक पकड़ना और कैमरा पकड़ना और खड़े होना। नो वन विल आस्क यू कि आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है या नहीं। हमारे मुल्क में सबसे आसान प्रोफेशन ये एग्जिस्ट करता है। तो जनाब वो जी आपका का ख्याल है कि पाकिस्तान हमें लाहौर की सड़कों के नाम तब्दील कर देने चाहिए। तो मैंने कहा जी क्यों तब्दील कर देने चाहिए लाहौर की सड़कों के नाम, देखे ना जी ये आपके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे लक्ष्मी चौक है, तो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था तो हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हमें लाहौर की सड़कों के नाम इस्लामिक नाम कर देने चाहिए। मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको किसने मना किया कि आप इस्लामी नाम ना रखें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुरानी सड़कों के नाम चेंज करने से कुछ नहीं होना, आपने जो नई सड़कें बनानी हैं उसका नाम जो मर्जी रखते रहे। अब जी इसका नाम हमने लक्ष्मी चौक का नाम शिफ्ट करके कर दिया मौलाना जफर अली खान चौक। मैं कहा अभी काम करें, यहाँ पे किसी रक्षे वाले को कहें कि मुझे ना मौलाना जफर अली खान चौक जाना है। वो कहेगा किधर जाना है? आप उसके ना लक्ष्मी चौक जाना, कहा बैठो। बात समझ आ रही? मेरी बात समझ आती? तो आपने जिस मर्जी का नाम रखे आपको किसने मना किया? लेकिन एक और बात बताऊँ आपको सर, आप एक काम करें, आप लाहौर का नाम भी तब्दील करें। अगर आपने सड़कों के नाम तब्दील करने, हिंदू गॉड राम के ना दो बेटे थे, एक का नाम था लहू, एक का नाम था कसू। कसू के नाम पे कसूर है, लहू के नाम पे लाहौर है। तो सर अगर आपने हिंदुओं के नाम चेंज करने तो सबसे पहले लाहौर का नाम चेंज करें, महमूदाबाद करें ना जो पुराना नाम था इसका, ताकि पता चले कहीं किधर जा रहे हैं, महमूदाबाद जा रहे हैं। बात समझ आती? तो सरकार अगर आपने लॉ चेंज करना है ना तो फिर पूरा चेंज करें ना, ये तो ना ना करें कि पिक एंड चूज करना शुरू कर दे, सड़क का नाम चेंज कर दो, फलां कर दो, तो फिर अगर आपने चेंज करना नाम तो सारे करें। तो यहाँ वहां पे भी ये काम चलता है, इंडिया में भी हमारे भी ये काम चलता है, वो जरा खुलेआम करते हैं, हम जरा दबा के करते हैं काम, काम हम एक जैसे ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मुल्क उनकी अपनी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, हिंदू वे ऑफ लिविंग लगना चाहिए, हमारी मुस्लिम आइडियोलॉजी है तो मुस्लिम वे ऑफ लिविंग लगना चाहिए, हम मेजोरिटी में। अगर आप कहते हैं कि आप मेजोरिटी में मुस्लिम वे ऑफ लिविंग लगना चाहिए तो वो भी ठीक कहते हैं कि भाई हम हिंदू मेजोरिटी में तो हिंदू वे ऑफ लिविंग लगना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि उनके मुताबिक वो ठीक है, आपके मुताबिक आप ठीक है। फोकस समझ आ रहे हैं? तो पॉइंट नंबर 4 को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, इंडिया इंटेंड्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इंटेंड्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इंटेंड्स टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। लिख लिया आपने? फोकस रखिएगा। सिक्योरिटी काउंसिल जब हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, अल्लाह खैर करे जब आप लोग अगर आए यहाँ पे हम यूनाइटेड नेशंस को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि परमानेंट मेंबर्स की पावर्स क्या होती हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स की पावर्स क्या होती हैं और कंट्रीज परमानेंट मेंबर बनना क्यों चाहते हैं। लेकिन पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि एक पावर जो परमानेंट मेंबर्स के पास होती है जो बाकी किसी के पास नहीं है, वो वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये है कि आप किसी भी रेजोल्यूशन को फेल करवा सकते हैं जब आपका दिल करे, यानी रेजोल्यूशन पास होने लगी है और आपके खिलाफ है, आपको नुकसान होगा उसका, आप उसको वीटो कर दो, नेगेटिव वोट कर दो, रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पावर है ना आपके पास, अभी सिर्फ 5 कंट्रीज के पास जिनको परमानेंट मेंबर कंट्रीज कहा जाता है। इंडिया ऑल्सो इंटेंड्स टू बी अनदर मेंबर, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मेरी बात समझ आती? लेकिन अब इसका कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है, इसको अंडरस्टैंड करें। ताल्लुक ये है कि यूनाइटेड नेशंस का रूल ये कहता है कि इफ अ कंट्री वॉन्ट्स टू या इंटेंड्स टू बिकम ए न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो 5 पुराने हैं उनको छोड़ दें, अगर एक कंट्री नया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, दैट कंट्री मस्ट नॉट बी अ डायरेक्ट पार्ट
ऑफ एनी ऑनगोइंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. इफ अ कंट्री वॉन्ट्स टू बी अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, पुरानों को छोड़ दो, अ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, दैट कंट्री मस्ट नॉट बी अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ एनी ऑनगोइंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. राइट, इंडिया का जो आइडिया था परमानेंट मेंबर बनने का, उसके पीछे रुकावट ये थी कि इंडिया कश्मीर का डायरेक्ट हिस्सा था, प्रॉब्लम का हिस्सा था, और ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट था. इंडिया ने क्या किया, कश्मीर को इंटरनल मैटर बना लिया, और जब इंटरनल मैटर बना लिया उन्होंने कश्मीर को, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट वाले मसले से क्या हो गए, निकल गए. मेरी बात समझ आती है, फोकस रखें ना. अगर आपसे मैं पूछूं कि सर कश्मीर के अंदर आपका लॉ नहीं लगता, उनका अपना लगता है, तो क्यों, ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि जिस जगह पर आपका लॉ नहीं लगता, उसका मतलब है कि वहां पर कुछ तो ऐसा है कि वो आपके अंडर नहीं आते. यानी अगर मैं कहूं कि पंजाब का कॉन्स्टिट्यूशन अपना हो और खैबर पख्तूनख्वा का अपना हो, राइट, पंजाब के अपने लॉज हो, खैबर पख्तूनख्वा के अपने लॉज हो, तो मैं सवाल पूछूंगा कि सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खैबर पख्तूनख्वा पे क्यों नहीं लगता, पंजाब पे क्यों नहीं लगता? अगर वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, इसका मतलब है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है. अगर वो हमारा हिस्सा है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन वही होना चाहिए जो हमारा है. जब 370 के मुताबिक कश्मीर कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कश्मीर असल में इंडिया के अंडर नहीं आता था. और जब कश्मीर इंडिया के अंडर नहीं आता था, इसका मतलब था कि वो वाकई डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी ना. क्योंकि अगर वो इंडिया की टेरिटरी होती तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगता वहां पर. तो लोगों ने कहा कि भाई आप कहते हैं कि आपने परमानेंट मेंबर बन रहा है और आपका बहुत बड़ा मसला चल रहा है अभी कश्मीर का. उन्होंने कहा कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म, कश्मीर आ गया इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, कश्मीर में अब किसका कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा, इंडिया का, रौला खत्म हो गया, अब आए जी परमानेंट मेंबरशिप. क्योंकि देखे ना, जब आपका एक लॉ कश्मीर पे नहीं लग रहा तो आप ये मान रहे हैं ना कि कश्मीर में कोई मसला है. अगर आपका पूरे मुल्क का लॉ एक है और कश्मीर का एक है, इसका मतलब है कि कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है. क्योंकि अगर वो आपका हिस्सा होता तो उसमें वही लॉ लगता जो बाकी 28 स्टेट्स में लग रहा था. मेरी बात समझ आती है? सो दिस मेड कश्मीर अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. क्योंकि अगर वो डिस्प्यूटेड नहीं है, आपकी है, तो उसमें वो कानून क्यों नहीं है जो बाकी सब में है? और अगर वो आपकी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, डिस्प्यूटेड है. और डिस्प्यूटेड है तो सरकार आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल नहीं बन सकते. उनका जी सादा सा तरीका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी आइए जी 370 खत्म. आप कौन सा कानून लग रहा है जी इसमें, इंडिया का अपना लग रहा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी खत्म होगी, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया बन गई. सो इंडिया इंटेंड्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, एंड फॉर दैट India had to revoke the special status of Kashmir to make it part of Kashmir, right? तो उन्होंने वो क्या कर दिया, उन्होंने उसको हिस्सा बना दिया. क्लियर होगी बात, नोट कर लेते हैं, राइट? लेकिन इंडिया तो अभी भी मेंबर नहीं बन सकता. मैं कब कह रहा हूं मेंबर परमानेंट मेंबर बनेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रीरिक्विजिट पूरे हो रहे हैं. ये सादा तरीका. अब आप मुझे आगे कहेंगे सर मैंने ना CSS करना है, मैंने सिविल सर्विसेज अकेडमी पहुंचना, वो वेरी गुड. सर मेरी उम्र है 18 साल, लेकिन मैंने CSS करना है. नहीं कर सकते आप, आपको कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए. लेकिन सर देखिए ना, मैं बड़ा पैशनेट हूँ, मुझे CSS करना है. भाई मैं आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपकी उम्र 21 साल कम से कम होनी चाहिए. नहीं सर, कोई तो हल होगा. कोई हल नहीं भाई, आपको सिविल सर्विसेज एकेडमी पहुंचने के लिए पहले क्या करना है, अप्लाई करना है. अप्लाई करने के लिए प्रीरिक्विजिट्स पूरे करने हैं, 14 साल की एजुकेशन हो, 21 साल उम्र हो. अब आप सिविल सर्विसेज एकेडमी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये बात की बात है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अप्लाई तो करना है ना. अप्लाई करने के लिए उनके कुछ प्रीरिक्विजिट्स थे जो उन्होंने पूरे किए, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह वो परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे. उनके और बड़े मसले हैं, राइट? ये तो एक मसला था ना जिसको उन्होंने खत्म कर लिया, जो उनके अपने पास था, उनके पास पावर थी वो खत्म करने की. कुछ मसले ऐसे भी चल रहे हैं जो उनके बस का रोग नहीं है. मेरी बात समझ आती, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बाकी किसी क्लास के अंदर, कि वो क्या क्या मसले जो आपके पास अल्टीमेटली चल रहे हैं. बात समझ आ गई? तो लिखें इसको. वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स, one of the prerequisites to become a new permanent member of Security Council one of the prerequisites to become a new permanent member of Security Council is not to be a direct part is not to be a direct part of any ongoing international dispute, not to be a direct part
ऑफ एनी ऑनगोइंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट. हेंस इंडिया कन्वर्टेड कश्मीर फ्रॉम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम टू देयर इंटरनल मैटर. From an international problem to their internal matter. To fulfill that prerequisite of becoming the permanent member. To fulfill that prerequisite of becoming the permanent member. समझ आ गई बात? चार बातें समझ आ गई आपको? तीन तीन हुई हैं, चार हुई हैं, चार हुई हैं. Point number five पे आ गए. That prerequisite of becoming the permanent member. Current status देखिए, current status को ऐसा है कि नहीं. मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं काम अपनी तरफ से उन्होंने पूरा किया है, जाली डिग्री लगा दी है बीए की, राइट. लेकिन कहने का मकसद अभी भी नहीं परमानेंट मेंबर बनेंगे, क्योंकि मैडम 51 prerequisites होते हैं, उनमें से एक ये है, बाकी 50 करेंगे हम इंशाल्लाह डिस्कस कि हमारे पास कौन कौन से prerequisites exist करते हैं. इसके अलावा भी एक और prerequisite है. एक prerequisite ये है कि if a country wants to become a new permanent member, that country needs an approval of all existing permanent members. आपको सारे existing permanent members का approval चाहिए. Existing permanent members कौन से हैं? US है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूके, राइट. चाइना वो हड्डी है, ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, बात समझ आती है. रशिया के साथ उनके तालुकात अच्छे हैं, यूएस के साथ उनके तालुकात अच्छे हैं, फ्रांस वो राफेल खरीदते फिर रहे हैं, यूके का प्राइम मिनिस्टर उनका अपना घर का बंदा है. एक हड्डी है चाइना की, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं. प्रो चाइना होते हैं तो एंटी यूएस हो जाएंगे, एंटी चाइना होते हैं तो प्रो यूएस हो जाएंगे. दोनों कंडीशन के अंदर वो समझ नहीं आ रही उनको क्या करें. कहीं G20 के अंदर वो अमरीका को बुलाते फिर रहे हैं, तो कहीं ब्रिक्स के अंदर वो चाइना के सपोर्ट करते फिर रहे हैं, राइट. तो ये इतना आसान काम नहीं. मैं आपको क्या कह, मैं कह रहा हूँ नहीं बनना उन्होंने इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी आप, परेशान नहीं होना. आप परेशान हो गई कि अगर परमानेंट मेंबर बन गया तो सर क्या बनेगा? कोई बात नहीं मैडम, TSS होगा इंशाल्लाह, फिर भी बात समझ आती. तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इंशाल्लाह कभी डिस्कस दैट इन डिटेल इंशाल्लाह. ये बात समझ आ गई जी आपको? ये चार बातें समझ आ गई. आखिरी पॉइंट लिखें जी, आखिरी पॉइंट लिखें कंप्लीट करने के लिए इसको, राइट. इंडिया चेंज्ड द स्पेशल स्टेटस बिकॉज पाकिस्तान एट दैट टाइम वॉज इन FATF ग्रे लिस्ट. पाकिस्तान वॉज एट दैट टाइम पार्ट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ग्रे लिस्ट. वैसे ना ये लिस्ट के नाम जो है ना वो डिफरेंट होती है, एक होती है नॉन कंप्लायंस लिस्ट, एक होती है सेमी कंप्लायंस लिस्ट, एक होती है कंप्लायंस लिस्ट. हमने उसको ना कलर्स के नाम दे दिए हैं, व्हाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट. अगर कोई बंदा पूछे कि यार उस बंदे को ना उन्होंने ना नॉन कंप्लायंस लिस्ट में डाल दिए, आपको अच्छा यार बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, तेन पता वो ब्लैक लिस्ट हो गया. वो अच्छा ब्लैक लिस्ट हो गया, बात समझ आती है. एक इफेक्ट होता है उस चीज का. तो इन्होंने कलर्स को इसलिए एसोसिएट किया हुआ है ताकि अगले को पता चले कि भाई जान ये कोई आम बात नहीं है कि बंदा ब्लैक लिस्ट हो गया. बंदा भी नहीं, पूरा मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह, बात समझ आती. तो नॉन कंप्लायंस लिस्ट को ब्लैक लिस्ट कह देते हैं, सेमी कंप्लायंस लिस्ट को ग्रे लिस्ट कहते हैं, कंप्लायंस लिस्ट को वो व्हाइट लिस्ट कह देते हैं. सो पाकिस्तान अब किसमें आ गया? ग्रे लिस्ट. मेरी बात समझ आती. अगर एक कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में आता है ना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस मुल्क से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती. यानी कोई भी मुल्क उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सारे इंटरनेशनल बैंक्स उस मुल्क से दौड़ जाते हैं. उस मुल्क के अंदर ना बाहर से पैसा आ सकता है, ना यहां से बाहर जा सकता है. बहुत मुश्किल हो जाती है पैसा भेजते भेजते. मेरी बात समझ आती है. पाकिस्तान क्योंकि किसमें चला गया? ग्रे लिस्ट में चला गया. पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या हो गई? खराब हो गई. अब लेकिन पाकिस्तान ना इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट में गया था, राइट. पाकिस्तान इससे पहले जो ग्रे लिस्ट में गया था ना, वो पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से गया था. ये हमारी हरकतें इस तरह की थी कि हम जो है ना ये इनको जिहादी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया करते थे.
लेकिन जब 2019 में हम ग्रे लिस्ट में गए ना, तो उसके अंदर असल में पाकिस्तान की अपनी गलती तो थी, लेकिन उसमें प्रॉपर इंटरनेशनल लॉबी थी जिसने पाकिस्तान को पुश किया था फ्रॉम व्हाइट लिस्ट टू ग्रे लिस्ट, और इस चीज को एक्सेप्ट भी किया इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हमारी वजह से गया है, हमारी एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट ड्यू टू आवर एफर्ट्स। मेरी बात समझ आती, हमारी वजह से ग्रे लिस्ट में गया। अब फोकस रखिए, अंडरस्टैंड करें, एक मुल्क है वो दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगाता है और वो उसको इल्जाम लगा के किधर पहुंचा देता है, ग्रे लिस्ट के अंदर। लेकिन वो उस मुल्क का ना फोकस पता क्या है, ड्रीम पता क्या है, कि ये सिर्फ ग्रे लिस्ट में ना रहे, ये किधर चला जाए, ब्लैक लिस्ट के अंदर। मेरी बात समझ आती है, इंडिया का प्लान पाकिस्तान को व्हाइट से ग्रे लिस्ट में नहीं, असल में किधर लेकर जाना था, ब्लैक लिस्ट के अंदर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी बंदे पे इल्जाम लगाऊं कि सर इसके ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, आप इसको व्हाइट लिस्ट से उठाएं, ग्रे लिस्ट में डाल दें, ग्रे लिस्ट में आ गया, जितनी उसमें गलतियां थी वो सारी की सारी मैंने व्हाइट से ग्रे में करवाने के लिए यूज कर ली। लेकिन अगर मुझे ग्रे से ब्लैक लिस्ट करवाना है ना किसी कंट्री को, तो मुझे सर्टन अदर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाने हैं उसके, कि सर ये देखें इसके अंदर ये मसला है, इसको ग्रे लिस्ट कर दें, कर दिया सर, ये अभी बाज नहीं आ रहा, ये देखें ये अभी भी ये हरकतें कर रहा है, ये देखें इसने अब ये किया है, ये किया है, ये किया, अब ग्रे लिस्ट में से भी बाज नहीं आ रहा, कहां भेजें, ब्लैक लिस्ट। सो इंडियाज प्लान वॉज टू पुश पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट, लेकिन उसको कोई मौका नहीं मिल रहा ये काम करने का। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कार्ड खेला कश्मीर का। मेरी बात समझ आती, अब फोकस रखें, आपको ये बात याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए कि कश्मीर की जितनी भी फ्रीडम मूवमेंट चलती है, बुरहान वानी हो गया या कोई भी हो गया, इंडिया उसको टेररिस्ट मूवमेंट कहता है, इंडिया उसको फ्रीडम मूवमेंट नहीं मानता, वो कहता है ये टेररिस्ट है, जो किनको कौन सपोर्ट करता है, पाकिस्तान। मेरी बात समझ आती, इंडिया ने कश्मीर का कार्ड खेला। अगर पाकिस्तान उस टाइम, जिस टाइम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ था, किसी भी तरह की कश्मीरियों की हेल्प करने की कोशिश करता, मिलिटेरिली या फाइनेंशियली, इट वुड हैव बीन टर्म्ड एज सपोर्टिंग द टेररिस्ट्स एंड इट वुड हैव पुट पाकिस्तान ऑन फ्रॉम द ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट, क्योंकि इंडिया को एक और मौका चाहिए था यह साबित करने के लिए कि पाकिस्तान आज भी टेररिस्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। That is why Prime Minister Khan, जब Prime Minister थे उस time, तो Prime Minister ने कहा था, openly कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ border पे कोई ना जाए, जब तक मैं ना कहूँ border पे कोई ना पहुंचे, क्योंकि any movement towards the border in Kashmir would have been termed as terror financing, terror supporting, and it would have put Pakistan from the grey list to black list। मेरी बात समझ आती, यानी सारे इल्जाम लगा के grey list में पहुंचा दिया और कहा कि सर ये देखेंगे अभी भी कश्मीरियों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये देखिए हमने स्पेशल स्टेटस रिवोक किया है, हमारे अपने मुल्क का कानून था, हमने अपने मुल्क का कानून चेंज कर दिया, लेकिन हमारे मुल्क में देखें ये टांगड़ा रहा, तो इट वुड हैव पुट पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट टू ब्लैक लिस्ट, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान डिड नॉट सपोर्ट कश्मीरीज एट दैट टाइम। और अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान को क्या उस टाइम कश्मीरियों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी सर, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे। एनी बैड मूव फ्रॉम पाकिस्तान वुड हैव पुट पाकिस्तान ऑन द ब्लैक लिस्ट, and that is why Pakistan never supported Kashmiris at that time। meri baat samajh aati hai, isliye kyunki badi simple si baat hai, duniya ka asool bada simple sa hai, aapko pehle apne aap ki protection karni hai, fir kisi aur ki protection karni hai। jahaz mein baithe na wo kehte hain bhajan pehle apna mask lagaye fir kisi ka mask lagaye, theek hai, apni financial support, apni financial issues ko pehle aapne deal karna hai, fir kisi aur ko support karna hai, aap unko support karte karte at the end of the day, right, kashmir to unhone revoke kar hi liya tha, वापस तो आपको मिलना नहीं था, अगर आप उनको सपोर्ट कर भी देते तो मिलना कोई नहीं था, लेकिन उस बहती गंगा के अंदर पता नुकसान क्या होना था, आपने भी ब्लैकलिस्ट हो जाना था। किसका? हाँ? नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं। इफ पाकिस्तान सपोर्ट्स द टेररिस्ट्स, नहीं हो सकता ना, क्योंकि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ गया वापस, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से रिमूव हो गया, पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ गया, उन्होंने जो एफएटीएफ ने कंप्लायंस लिस्ट दी थी पाकिस्तान ने सारी पूरी कर ली। नहीं, हमाज साहब नहीं थे, वो थे अपना, ये अल्लाह आपका भला करे, असद उमर साहब, बाद में हमाज साहब आए, 28 थे, उन्होंने 6 और दे दिए, 34 कर दिए, पाकिस्तान ने वो भी पूरे कर लिए, अब पाकिस्तान फॉर्मली तौर पे एफएटीएफ से निकल गया ग्रे लिस्ट। जी, आप वो सारे पॉइंट्स पूरे करने, आप एक पॉइंट भी मिसिंग हुआ तो आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे, राइट,
आपको 34 पूरे करने थे ग्रे से वापस व्हाइट में आने के लिए, और उनको एक पॉइंट चाहिए था पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक में करने के लिए, राइट? दैट इज वाई आप चुप कर गए, ऐसे चुप कर गए कश्मीर के ऊपर के जैसे पता नहीं कश्मीर है ही नहीं, और लोगों ने इतराज करना शुरू कर दिया, खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया, खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया। और भाई मेरे, उस दौर के अंदर चुप करना ही सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एनी मूवमेंट टुवर्ड्स कश्मीर वुड हैव पुट पाकिस्तान ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑफ एफएटीएफ। जो आप आज आपके सूरत हाल है ना इकोनॉमी की, और खराब हो जानी थी तब आपकी सूरत हाल इकोनॉमिकली, जो हालात चल रहे थे वहां पे आपके उस टाइम एट दैट टाइम। मेरी बात समझ आ रही है? आईडी क्लियर हो गया? ले, ये हमारे पास पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 5। नोट कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंडिया ऑलवेज इंटेंडेड India always intended to put Pakistan on FATF blacklist. Put Pakistan on the FATF blacklist. But for that, new requirements different from the ones used to put Pakistan on the grey list were required. Line क्या लिखी हमने? Different requirements were required to put Pakistan on the blacklist, which were different from the ones we used for the grey list. बात समझ आ रही? जो हमने grey list के लिए use की थी, उनसे ज़्यादा different requirements थी ना हमारी blacklist में put करने के लिए. So, if Pakistan would have supported India, if Pakistan would have supported Kashmir after the revocation of special status, it could have been termed as terrorist financing, and it would have put Pakistan on the blacklist of FATF. समझ आ गई बात की? आइडिया क्लियर हो गया जी कि पाकिस्तान के साथ क्या मसला चल रहा था उस टाइम? ये हमारे पास कुछ 4-5 रीजंस थे जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने स्पेशल स्टेटस को क्या किया, रिवोक कर दिया। अब सारा कुछ हमें समझ आ गया है कि इंडिया गलत कर रहा है, सब कुछ हमें समझ आ गया है कि जनाब इंडिया ने रिवोक भी किया है तो जानबूझ के गलत किया है रिवोक इसको। फिर सवाल हमारे जेहन के अंदर आता है कि कश्मीर का मसला फिर अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? हेडिंग डालिएगा अब आपके पास, मेन जो हेडिंग आती है, Why Kashmir is still unresolved for last 75 years? Why Kashmir is still unresolved for last 75 years? Why Kashmir is still unresolved for last 75 years? 75 years से कश्मीर अनरिजॉल्व क्यों है? इसकी बहुत सी रीजंस आपके पास आती हैं। पहली रीजन आपके पास आती है इकोनॉमिक। फर्स्ट हमारे पास आएगी इकोनॉमिक रीजन। लिख लिया आपने, फुल स्टॉप, इकोनॉमिक रीजन। अब बात को जरा फोकस करिए। दुनिया का हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस बनाता है on the basis of national interests. जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है
तो वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाता है। फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े मशहूर गुजरे लॉर्ड पाल्मरस्टन, दो दफा प्राइम मिनिस्टर रहे यूके के। उन्होंने बड़ी मशहूर एक कोटेशन बोली थी कि देर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, द ओनली थिंग परमानेंट अमंग द स्टेट्स आर नेशनल इंटरेस्ट्स। स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, परमानेंट एनिमी परमानेंट फ्रेंड नहीं होते। हमारे लॉर्ड पाल्मरस्टन तो 1864 में प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। तो पॉइंट ये समझने वाला है कि जिसमें पाकिस्तान और हम रशिया की एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाकिस्तान और रशिया राइट एक दौर के अंदर अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के आपस के इंटरेस्ट्स अलाइंड नहीं थे, हमारे इंटरेस्ट डाइवर्जेंट थे। राइट, रशिया चाहता था कि पाकिस्तान पर अटैक करे, वार्म वाटर्स तक पहुंचे। राइट, और पाकिस्तान चाहता था कि रशिया पाकिस्तान पर अटैक ना करे और वार्म वाटर्स तक ना पहुंचे। रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, हमने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर इन अफगानिस्तान, और हमने सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान और रशिया के जो आपके पास जो है रिलेशंस, वो क्या हो रहे हैं? अलाइंड हो रहे हैं। बात समझ आती है? क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और हमारे पास एनर्जी की कमी है। वो ऑयल और गैस जो दुनिया में सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता है, उसी की कमी पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। मेरी बात समझ आती है? सो पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। स्टेट्स के इंटरेस्ट दूसरी स्टेट में तब आते हैं जब स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है उस स्टेट के अंदर। और दुनिया का नेशनल इंटरेस्ट पता है किस में? इंडिया में। और दुनिया का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। मेरी बात को याद रखें, जब भी इकोनॉमी की बात होती है, कंट्रीज कभी भी ह्यूमन राइट्स को फोकस नहीं करती, वो किसको फोकस करती हैं? इकोनॉमी को। मेरी बात समझ आती? दुनिया गालियां निकाल रही है चाइना को कि चाइना मुसलमानों के खिलाफ जुल्म कर रहा है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल जाइंट टेस्ला, उसने अपना असेंबली प्लांट खोला है उसी प्रोविंस में जिस प्रोविंस के अंदर उन्होंने जनाब मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना शुरू किया हुआ, शिनजियांग रीजन है उनका। इलॉन मस्क डज नॉट केयर कि मुसलमानों पे क्या हो रहा है। इलॉन मस्क जो है वो कैपिटलिस्ट दुनिया का बंदा है जिसके लिए दीन ईमान प्रॉफिट है। आप जिस दौर में रह रहे हैं ना भाई मेरे, उस दौर के अंदर दुनिया के लिए दीन ईमान प्रॉफिट है। आप मुझे एक बात बताएं, आप यहां कारोबार शुरू करने से पहले क्या ये नहीं सोचते कि मैं फलान जगह पे दुकान खोलूं तो मुझे ज्यादा लोग आएंगे मेरे पास? या आप ये सोचते हैं यार फलान जगह पे दुकान नहीं खोली, बेसमेंट में खोलता हूं ताकि बंदा कोई ना आए? जब आप सोचते हैं कारोबार शुरू करने से पहले प्रॉफिट के बारे में, तो दुनिया नहीं सोचती होगी। दुनिया को प्रॉफिट कहां से मिल रहा है? इंडिया से। दुनिया डिपेंडेंट है इंडिया पे। पाकिस्तान की टोटल $300 बिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3000 बिलियन की, 10 times और 100 times मोर देन पाकिस्तान। हम 300 बिलियन पे बैठे हैं। 360 बिलियन की तो इंडिया की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स है पूरे साल के अंदर। इतनी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की इंडिया, और दुनिया डिपेंडेंट है किस पर? इंडिया पे। मेरी बात समझ आती है? जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्या करते हो, कश्मीरियों पे जुल्म होता है आप बोलते हो, पैलेस्टाइन के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होता है आप बोलते हो, रोहिंग्या में बर्मा में मुसलमानों पे जुल्म होता है आप बोलते हो, क्यों चुप करते हो जब चाइना पे मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्यों नहीं आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बयान देते चाइना के खिलाफ? डिपेंडेंट है ना आप उन पे, BRI और CPEC है ना उनका, डिपेंडेंट है। जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर चाइना के खिलाफ नहीं बोलते, तो दुनिया भी अपने इंटरेस्ट की खातिर इंडिया के खिलाफ नहीं बोलती। और यह बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि जिन कंट्रीज की खातिर हम लोग पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कंट्रीज अब जफियां डाल रहे हैं जनाब वहां पे जाके मोदी साहब के साथ, वो वहां पे जाके अपने रिलेशंस बनाते फिर रहे हैं मोदी साहब के साथ। यू डोंट एक्सेप्ट इसराइल एज इंडिपेंडेंट स्टेट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट नेवर एक्सेप्ट इसराइल एज इंडिपेंडेंट स्टेट, बट अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि जिनका अपना मसला था ना अरबियों का, उन्होंने यारी कर लिया उनके साथ, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया इसराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट। टर्की जो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, वो सबसे ज्यादा ताल्लुकात है उसके इसराइल के साथ। इतना पाकिस्तानी नजर नहीं आता आपको टर्की के अंदर जितने यहूदी नजर आते हैं आपको वहां पे टर्की में सैर करते हुए। जो मसले हमारे हैं वो हमारे हैं ही नहीं, जो मसले हमारे नहीं है वो हमारे हैं।
गिव मी अ नेम ऑफ अ सिंगल मुस्लिम कंट्री विच डज नॉट रिकॉग्नाइज इंडिया बिकॉज ऑफ कश्मीर, बट यू आर द ओनली मुस्लिम कंट्री अपार्ट फ्रॉम द अरबीज विच डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल एज इंडिपेंडेंट स्टेट जस्ट बिकॉज ऑफ पैलेस्टाइन. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड रिकॉग्नाइज, मैं ये नहीं कह रहा वो करना चाहिए, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करें कि दुनिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है और नेशनल इंटरेस्ट की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार है. यूएई और बहरेन ने क्या रिकॉग्नाइज नहीं किया इसराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट? क्या उनको नहीं पता कि इसराइल पैलेस्टाइन में क्या कर रहा है? उन्होंने कहा जनाब हमारा नेशनल इंटरेस्ट है इसराइल को रिकॉग्नाइज करना. तो व्हेन यू आर साइलेंट ऑन चाइना फॉर वट एवर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आर गोइंग ऑन, दुनिया तो यहां तक कहती है कि चाइना में मुसलमानों के साथ वही हो रहा है जो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया. ह्यूमन जेल्स बनी हुई है वहां पर, जहां पर इंसानों को मारा जाता है और वहां पर इंसानों के साथ टॉर्चर किया जाता है जिस तरह हिटलर किया करता था. लेकिन आप खामोश हैं, इसलिए खामोश हैं अल्टीमेटली क्योंकि वहां पर चाइना पे डिपेंडेंट है. यही सऊदीया, यही ईरान, यही यूएई ब्रिक्स का मेंबर भी बन गए, यही सऊदीया राइट, इसने अभी नया कॉरिडोर बनाया इंडिया के साथ. तो कहने का मकसद है प्लीज अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि रिलीजन के नाम पर नेशनल इंटरेस्ट नहीं चलता. नेशनल इंटरेस्ट चलता है आपके पास इकोनॉमी की बेस पे, और ये दुनिया की रियलिटी है. आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन जी अंडरस्टैंड करें कि दुनिया में हर मुल्क इकोनॉमी के लिहाज से अपने नेशनल इंटरेस्ट बनाता है. सरकार इकोनॉमी इतनी तकड़ी है कि उन्होंने जो है वो ईरान और सऊदीया को भी इकट्ठे बिठा दिए. वो सऊदीया और ईरान जो इस्लाम के नाम पर आज तक इकट्ठे नहीं हुए, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल पे इकट्ठे हो नहीं गए, ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन गए, चाइना ने इकट्ठा नहीं कर दिया उन दोनों को, किधर गया पैन इस्लामिज्म आपका? क्यों जो कांटा काबुल में और फलां और ये और वो. आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस आइडिया दैट द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन. इफ यू वॉन्ट टू स्टे वेयर यू आर, प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, बट डोंट टेल द वर्ल्ड कि जनाब आपको ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए. दुनिया कहेगी सर हमें बिल्कुल करना चाहिए. आप करते हैं चाइना के खिलाफ? नहीं करते. क्यों? हमारा इंटरेस्ट है सरकार पे, हमारा भी इंडिया में इंटरेस्ट. अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात समझ आती? तो ये आइडिया अंडरस्टैंड करने वाला है कि द वर्ल्ड ऑलवेज फोकस ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट्स, द वर्ल्ड डज नॉट फोकस ऑन रिलीजन, राइट, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स. अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुकात किसके साथ होते? इन आपके पास अरब स्टेट्स के साथ, राइट. वो यहूदी सारे के सारे, वो नसरानी जिनके मुल्क के अंदर आप 5 साल काम करें वो आपको नेशनलिटी दे देते हैं, कितने बुरे लोग हैं. और आप अरबियों के इस मुल्क में 50-50 साल भी काम करते हैं आपको नेशनलिटी नहीं देते हो, 50-50 साल, राइट. बुरे कौन है जनाब? बुरे तो हम हैं, बुरे तो वो जो है यहूदी हैं सारे के सारे जो जनाब आपको नेशनलिटी देते फिरते हैं. ना जाए ना यार आप वहां पे, किसने मना, किसने कहा आपको जाए वहां पे? सिर्फ जाए ना आप इधर मेहनत करने के लिए, वो आपको एक्सेप्ट भी करें, वो आपको वीजे भी दें, वो आपको नेशनलिटियां भी दें और गालियां भी वही खाएं. बहुत अच्छे भाई, ये आपको मुंह भी ना लगाएं, ये आपके खिलाफ जाके जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी को आला तरीन अवार्ड्स के साथ नवाजें, ये जनाब वहां पर क्या करें, वहां पर जनाब कॉरिडोर्स बनाते फिरें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तक ना करें, ठीक है जनाब, मोदी साहब को जाके जबियां डालें, और फिर भी हमें एट द एंड ऑफ द डे सपोर्ट किसको करना है? इन्हीं को. आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको ना सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, करते रहें, लेकिन प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि उनके इंटरेस्ट है इंडिया में, राइट, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और आपके इंटरेस्ट भी इकोनॉमी बेस्ड होने चाहिए. आपको इकोनॉमी की बेस के ऊपर इंटरेस्ट सऊदीया में नजर आता है, गो विद इट, ईरान में नजर आता है, गो विद इट, लेकिन ये डिसाइड ना करें कि ईरान के साथ जाना है कि सऊदीया के साथ जाना है, और सऊदीया नाराज हो जाएगा जी तो ईरान नाराज हो जाएगा और फलां हो जाएगा ये हो जाएगा. आपके ये हालात हैं कि जनाब कश्मीर जब रिवोक हुआ था तो खान साहब ने कहा था कि ओआईसी का इजलास बुला लें, ओआईसी का, ओआईसी ने इजलास तक नहीं बुलाया था कश्मीर के ऊपर, और खान साहब ने तब के कहा था कि जनाब ओआईसी का मुझे फिर क्या फायदा है, मैं अपनी ओआईसी बना लेता हूं. 4 मुल्कों ने फैसला किया ओआईसी बनाने का अपना जाती, कौन कौन? खान साहब थे, खान साहब के बेहतरीन दोस्त वो महातीर मोहम्मद साहब, और अपना उसके मलेशिया वाले रजब तैयब अर्दोगान टर्की से, और रईस सानी जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, इन चारों ने कहा कि भाई अपनी ओआईसी बना लेते हैं. गुड, कहां मिलना है? कोलालंपुर में. कोलालंपुर में मीटिंग सेट हो गई, तीनों पहुंच गए, देखा तो खान साहब थे ही नहीं. उन्होंने खान साहब का बयान आ गया जनाब कि मुसलमानों की उम्मत मुसलमान की खातिर मैंने अब सोचा कि मैं नया ओआईसी ना बनाऊं, ठीक है जनाब. वो उनको उन्होंने खान साहब ने कहा आपको कैमरे को देख के हाथ ला दे, मैंने असल में आपके साथ मजाक किया था.
ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा क्लियर आइडिया था, सर आपने ओआईसी बनानी है बनाए, लेकिन आपका जो 25 लाख एक्सपैट सऊदीया में काम करता है ना, एनओयू फड़ो, चल मेरा पुत्र छुट्टी का है, बात समझ आ रही है, निकाल इनके 25 लाख एक्सपैट्स को यहां से, जिनकी जिनके रेमिटेंस की बेस पर आप अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था? आपने कहा जी ठीक है हम नहीं जाते सर, हम मजाक कर रहे थे, आप सीरियस हो गए सर, बात करने वाली है, मैं मजाक कर रहा था, आपको पता नहीं, फिर मैं जलसों में खान साहब आते, मैं डरता किसी से नहीं हूं, मैं आज तक किसी के ऑर्डर की जो है मैं हमेशा दिल की मानी, मैं नहीं डरता किसी से, ऐसी की तैसी किसी की, आज तक मैंने फौज का प्रेशर नहीं लिया, जी सर मुझे याद है, आई नो, हमें तो याद है कि क्या कुछ होता रहा था, आप तो सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, आपको सिविल सर्विस की बात, खान साहब की बहुत सी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी राइट, लेकिन कुछ जो पॉलिसी खराब थी ना, जारी बात है खान साहब ने सिखाया ना मैं क्रिटिसाइज करना सबके ऊपर, तो खान साहब फिर आपके ऊपर भी करेंगे। 2019 में जब खान साहब 18 में पावर में आए ना, तो 19 में खान साहब को किसी ने बताया कि खान साहब आपको पता है कि सीएसएस में जो स्टूडेंट्स पास होते हैं ना, सीएस में पास होने के बाद ना 8 फौजी आते हैं सीएसएस के अंदर, क्यों आते हैं भी 8 फौजी, बस सर 8 फौजी आते हैं, शुक्र करें वो 8 ही आते हैं, बात समझ आते हैं, शुक्र करें वो आपको 8 नहीं अलाउ करते, सिर्फ दे कुड हैव डन एनीथिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर देम, वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। तो 8 के अंदर जो 6 होते हैं ना, वो होते हैं आपके पास फौजी, एक होता है एयरफोर्स से और एक होता है नेवी से, यानी वहां पर भी आपके पास क्लास सिस्टम है, ब्राह्मण एंड शूदर्स एंड दलित्स वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं, 6 आते हैं फौज से, एक आपके पास नेवी से और एक आता है एयरफोर्स, अगर आपने फौज के इकट्ठा करना है तो करें ना, ओपन मेरिट करें वहां पर, लेकिन वहां पर भी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। खान साहब ने कहा ये तो बड़ा काम खराब है, खान साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि आइंदा के बाद, ये नहीं कहा कि 8 नहीं आएंगे, खान साहब ने कहा कि आइंदा के बाद जो 8 आएंगे ना, ये ओपन मेरिट पे आएंगे, जो 8 फौजी आ गए उसमें से जितने एयरफोर्स के हुए, जितने नेवी के हुए, जितने फौज के हुए, सारे ओपन मेरिट में आए, वेरी नाइस। लो जी उस दिन मुझे अफजारी, मैं तो 8 साल से पैरों में पास ट्रेनिंग करने आते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करने, लो जी अल्लाह की करनी ये हुई कि उस साल 3 बंदे आ गए एयरफोर्स से, 3 बंदे आ गए नेवी से, और फौज से आए सिर्फ 2 बंदे, 8 बंदे पूरे हो गए, ठीक है जनाब। इन्होंने रोड़ा डाल दिया फौजियों ने, GHQ ने जनाब फोन किया खान साहब को, और खान साहब ने जनाब अगले साल ही ऑर्डर रिवर्स कर दिया, ठीक है जनाब, अब दोबारा 6 फौजी आते हैं, एक एयरफोर्स से आता है और एक नेवी से आता है। तो इसलिए कोई शख्स जब मुझे ये कहता है ना कि उन्होंने GHQ के ऑर्डर्स नहीं माने, तो मुझे ना याद आता है वो 2019 का जमाना, कि जब मैं तैयारी कराने के लिए इनकी बैठा था और ये फौजी आके मेरे से कहते सर मासे बड़ी ज्यादा हुई, मैं क्या हुआ सर, देखे ना हमारी सीटें खा गए, मैं कहा बहुत अच्छे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू आ क्यों रहा है, और तू मुझे कह रहा है कि सर देखे मेरी सीटें कम हो गई, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, मुझे उन पर कोई शक नहीं है, लेकिन इफ दे आर वेरी कॉम्पिटेंट तो व्हाई द फौज इज लेटिंग देम गो, फौज डज नॉट वॉन्ट कॉम्पिटेंट पीपल, अगर वो इतने कॉम्पिटेंट हैं तो फौज जाने को दे रही है उनको, और अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं तो फिर हमारे पास क्यों आने दे रहे हैं, घर भेजिए उनको। और नंबर 2 सर आपकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल है ना कि आपने इनकॉम्पिटेंट बंदे इकट्ठे कैसे कर लिए, और फिर इनकॉम्पिटेंट थे तो घर भेजें, तो हमारे पास क्यों भेज रहे हैं, हमारा सिस्टम क्यों खराब कर रहे हैं, और अगर कॉम्पिटेंट हैं तो आप खुद क्यों नहीं रख रहे, आपको कॉम्पिटेंट बंदे नहीं चाहिए, अजीब बात है। दूसरी बात सर, ये सारे बंदे CSS करके जाएंगे, सारे कॉम्पिटेंट हैं, इनको भरे ना, करें ना डायरेक्ट कैप्टन भर्ती, सर रेसिप्रोकेट करें ना, 8 यहां से चले जाएंगे, 8 वहां से इधर आ जाएंगे, वेरी नाइस गुड, समझ आ गए, नहीं उधर से इधर आएंगे, इधर से उधर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, बस हमारी मर्जी, हम कानून चलाते हैं भाई, मुल्क चलाते हैं, तुम सवाल करते हो तुम गद्दार, ऐसे जाति ना करें राइट, रूल्स बनाए तो सबके लिए बराबर बनाए, नहीं तो ना बनाए राइट। व्हाई दीज 8 पीपल, आई डोंट नो व्हाई दीज 8 पीपल, दे आर वेरी अच्छा, रिटन इम्तिहान नहीं होता उनका, सिर्फ इंटरव्यू होता है, आप रिटर्न इम्तिहान ले ना उनका, जितना का बाकी सबका होता है, बराबर बिठाएं सबको, सबके पास हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो ना सही, कोई रिटर्न इम्तिहान नहीं होता, सिर्फ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के तो जो टॉप 8 पे आ गए उधर चले जाएंगे, और आगे मजे की बात, वो जो 8 बंदे आते हैं वो भी सिर्फ 3 सर्विसेज में आते हैं, PS में, पुलिस में और फॉरन सर्विस में, बाकी में नहीं आते, वो बाकी भी शूदर है उनके लिए, दे विल ओनली बी इन द टॉप 3 ग्रुप्स, व्हाई इवन आई डोंट नो राइट ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों आते हैं, इसके खिलाफ सर कोई आवाज क्यों उठाता, उठा ले करें ना केस, जाएं किया था 2-3 लोगों ने केस, बंदे नहीं मिले जिन्होंने केस किया था, ना जज मिले जिन्होंने केस सुना था, बीमार हो गए थोड़े से ना, एकदम बीमार हो गए बेचारे और छुट्टियों पे चले गए, कोई बेचारा बहुत ज्यादा बीमार हो गया, दुनिया से ही चला गया, बस कमजोर लोग थे बेचारे, कोई बात हो जाता है जिंदगी के अंदर, आपको पता है ऐसे ही हो जाती है जिंदगी में, होते हैं बड़े धोखे, कोई नहीं सो ठीक।
तो ये सिचुएशन जो है वो चल पड़ी उनके साथ। तो खैर आप लोगों ने भी हरकत नहीं करनी है, ठीक है। आधा पाकिस्तान इसलिए नहीं बोलता, वो कहता यार हमारी सीट तो हुई हुई है, हमें क्या टेंशन है, हमारी सीट तो पक्की है ना, हमारे साथ ही आके बैठ रहे ना, मेरी जगह पे तो नहीं ना बैठ रहे। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसान को दुख तब होता है जब आपको पता चलता है कि सरकार मेरी सीट पे ना कोई और आके बैठ गया, जिसने इम्तिहान भी नहीं दिया, और मैंने इम्तिहान भी दिया, मैं दौड़ा भी, मैंने मेहनत भी की, मैंने टाइम भी जाया किया, शादियां भी छोड़ी दोस्तों की, गालियां भी खाई सबसे, स्लीपलेस नाइट्स भी गुजारी, एंजाइटी के अटैक्स भी हुए, आधा टाइम तो मुझे लग रहा था मुझे समझ कुछ नहीं आ रही, बात समझ आती है, फिर जाके इम्तिहान दिया, पता चला मैं पास हो गया हूँ, ये तो पास हो गया हूँ, बात समझ आती है। सारा कुछ करने के बाद एंड पे जाके मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, और एक बंदा जनाब लाइन काट के जनाब चुप करके मेरे साथ आगे खड़ा हो गया। आप ऐसा करें ना, डेढ़ घंटा की लाइन में लगे और डेढ़ घंटे के बाद आपकी बारी आए ना, एक बंदा साइड से आ गया, भाई जान जी मेरा चेक है, ठीक है जनाब, बंदे का दिल पकड़ता है, उसको पकड़े ऐसे करके चल पीछे, मैं डेढ़ घंटे से पागल हूँ यहाँ पर लाइन लगाऊँ। लेकिन मसला पता क्या है, वो कर सकते हैं राइट, और आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो चुक लिए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जनाब, ये सारे के सारे होता है ऐसे क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन करें, मैं आपको एग्जाम्पल तीन लोगों ने क्वेश्चन किया था और ऐसा ही हुआ था। यू आर प्लीज फ्री टू क्वेश्चन देम, बट प्लीज डू दैट ऑन योर ओन, ठीक है, खुद अपने बलबोते के ऊपर काम कीजिएगा, मेरे बलबोते पे ना काम कीजिए, क्योंकि मैं मेरा काम था सिर्फ पहुंचा देना, वमा अलैना इल्ला बलाग, मेरा काम था पहुंचा देना, सिखा देना, लिखना आपने जाके खुद ही, बात समझ आ रही, या फेसबुक पे या पेपर में जाके जो आपने खुद ही लिखना है सारे के साथ, ये बात समझ आ गई। तो पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट आप लिखें प्लीज, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, एंड इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड The country's focus in this capitalist world, the country's focus on economic benefits rather than human rights. Because whenever the question of national interest comes, morals take the back seat. बात समझ आती है? Morals भाई पिछली सीट पर चले जाते हैं जब नेशनल इंटरेस्ट की बारी आती है, बट नेशनल इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स इकट्ठे नहीं चल सकते। ह्यूमन राइट्स चल सकते हैं या नेशनल इंटरेस्ट चल सकते हैं? आपका नेशनल इंटरेस्ट सीपैक में है तो आप उसको ह्यूमन राइट्स इन चाइना के साथ इकट्ठे नहीं चला सकते, अनफॉर्चुनेटली। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किधर को जाना है। बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर टू, इकोनॉमी का पॉइंट नंबर टू, इंडिया is a much larger consumer market than Pakistan. India is a much larger consumer market than Pakistan. India is a much larger consumer market than Pakistan. लिख लिया आपने? हमारे मुल्क का हाल ये है कि हमारे मुल्क में एप्पल का ऑफिशियल स्टोर तक नहीं है पाकिस्तान में, ये हालात है हमारे मुल्क के। उसकी रीजन पता है, सिंपल सा, ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो है वो अल्टीमेटली कोई, अल्लाह माफ करे, गलत कौम है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो कंज्यूमर मार्केट है ना वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट इंडिया की है। एग्जाम्पल देते, अगले हफ्ते आ रहा है ना आईफोन 15 नया, ठीक है, कितने का होगा? $1,500-$2,000 का होगा, ठीक है। कितने परसेंट पाकिस्तानी हैं जो राइट अवे वो 7-8 लाख रुपए का इकट्ठा फोन एकदम अफोर्ड करते हैं? कितने परसेंट पाकिस्तानी होंगे? 1%, 10% लगा ले,
24 करोड़ की पॉपुलेशन में से कितने परसेंट पाकिस्तानी होंगे जो राइट अवे वो अफोर्ड करते होंगे, आटा मिल नहीं रहा खाने को और जनाब 8 लाख रुपए का फोन भी लेते हैं लोग, लेते हैं। हमारे मुल्क में लोगों के पास बहुत पैसा है। आपको आटे की लाइन भी लंबी नजर आएगी, टिम हॉर्टन्स की बार भी लाइन लंबी नजर आएगी। बहुत डाइवर्सिफाइड कॉम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास है उनके पास बहुत है, जिनके पास नहीं बेचारों के पास कुछ भी नहीं। तो कितने परसेंट लोग लेते होंगे, 5% लेते होंगे, 5% लगा लिया अंदाजा। इंडिया की आबादी है जनाब 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ में से कितने परसेंट इंडियंस होंगे जो राइट अवे अफोर्ड करते होंगे? 5%, जितने हम करते उतने ही वो करते हैं। इमेजिन कर लेते हैं सर, 1.5 अरब का 5% और 24 करोड़ के 5% में बहुत फर्क है। उनका 1.5 अरब का 5% बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। एक जगह पे दुकान खोलने से 100 ग्राहक बन रहे हैं और दूसरी जगह पे दुकान खोलने से 5 ग्राहक बन रहे हैं, कहां जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? कौन से ह्यूमन राइट्स आते हैं जब इकोनॉमी की बात होती है? कौन से ह्यूमन राइट्स आते हैं नेशनल इंटरेस्ट की जब बारी आ रही होती है? नहीं सर देखिए ना, उनको नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नजर उनको, कि जब प्रॉफिट की बात हो रही होती तब नजर नहीं आता। मेरी बात समझ आती है? पेट्रोल पंप के ऊपर लाइन लग गई है, 7 वाला पेट्रोल पंप भी खुला है, कितने लोग कहते हैं भाईजान आप इसको छोड़े, लाइन निकल के 7 वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लो, कहे भाईजान जल्दी करो, पिछली लाइन आगे करो, पिछली लाइन आगे करो। किधर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप? राइट, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट्स एंड नेशनल इंटरेस्ट रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी, यू अंडरस्टैंड व्हाई द कंट्रीज फोकस ऑन इंडिया रादर देन पाकिस्तान। इंडिया इज अ मच बिगर कंज्यूमर मार्केट देन पाकिस्तान। पेपाल तक नहीं है यार आपके मुल्क में, अब अंदाजा लगा लें। राइट, अमेजोन बैठा है वहां पर, अपना अपना वहां पर बैठ के वो सारा कुछ डिस्पर्स करते हैं, हमारे पास अमेजोन की डिलीवरी तक नहीं होती। ये हालात है हमारे मुल्क के। एप्पल बैठा हुआ है वहां पर जनाब, सारा कुछ वो कर रहा है, अभी जो है टेस्ला पहुंच रहा है वहां पर आ रहा है, हमारे पास जनाब वो जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स को जनाब चार्ज करने तक स्टेशन नहीं है। तो कंपैरिजन जो है ना वो बनता नहीं है इस मौके के ऊपर। और दुनिया का इंटरेस्ट किस में है? इंडिया के अंदर है। तो क्या दुनिया को नजर नहीं आता इंडिया गलत कर रहा है? बिल्कुल नजर आता है, लेकिन दुनिया चुप कर जाती है। राइट, इतना कबूतर मुर्गी उसको बिल्ली को देखे आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है मैं छुप गया हूं, छुप नहीं गया हूं, उसको लग यही रहा होता कि मैं छुप गया हूं। बात समझ आती है? सेम इसी तरह आप भी आंखें बंद कर लेते हैं चाइना के ऊपर, दुनिया आंखें बंद कर लेती है इंडिया के ऊपर। इट्स वेरी सिंपल, बात समझ आती है? फोकस रखें जी, इंडिया इज अ मच लार्जर कंज्यूमर मार्केट एंड इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कंज्यूमर मार्केट्स प्ले अ रोल in countries international relations, play a role in countries international relations. नहीं जी बिल्कुल ये एंटी पाकिस्तान नहीं हो रहा, ये प्रो इंडिया हो रहा है थोड़ा सा। देखिए अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में बात करके मसले को हल करना है। इंडिया बात नहीं करता, वो हम करूंगा इसके ऊपर में, लेकिन इकोनॉमी बहुत बड़ा गेम, इंडिया बहुत आगे आप इस मामले के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना, आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत थोड़ी सी। हमारी कौम ना थोड़ी जज्बाती कौम है, हर काम के अंदर जज्बाती। कल बेचारे मैच आ गए जनाब, गलियां दे रहे हैं फिर रहे हैं उनको कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ऐसा हो गया। आपको खुदा का खौफ करें, 3 महीने हो गए थे तो मैच नहीं हारे थे। वर्ल्ड कप से पहले रियलिटी चेक मिलना जरूरी होता है, ठीक है? जब सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, उसका मतलब कुछ ना कुछ गलत जरूर है। कल का बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए जो आपके पास हुआ है। टेंशन नहीं लेनी, ईजी हो जाए, रिलैक्स करें। कुछ दुनिया खत्म नहीं, एशिया कप है जो फाइनल पड़ा है, ठीक है? और दूसरी बात, वर्ल्ड कप पड़ा है 14 तारीख, परेशान नहीं होना आप, अल्लाह खैर करे तो इंसाफ कर देंगे हम उनकी इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप अपना अपने जज्बात को एहसास पर आपने काबू रखना है। अच्छा कल पाकिस्तान मैच आ रहा, सारे बंदे अफसुर्दे हैं, भी अफसुर्दे हैं, हर बंदे पे गुस्सा ही जा रहा है जनाब। ये इमरान खान ही ठीक बंदा सही, कल तक तो ठीक था, नहीं आज नहीं ठीक, ये बंदा नहीं ठीक। नवाज शरीफ तो वैसे ही नहीं ठीक, जरदारी तो शुरू से बुरा है, ठीक है? ये भी नहीं ठीक, बंदे को बंदा है ही नहीं ठीक इस कौम के अंदर जनाब। बाबर आजम भी नहीं ठीक, ठीक है जनाब? तो सारे के सारे बंदे जो है बुरे लग रहे हैं उसके अंदर। खैर ये पॉइंट, 2 पॉइंट समझ आ गए। पॉइंट नंबर थ्री, हेडिंग नंबर थ्री मतलब टू डाले हैं। एक आपने इकोनॉमी डाल दी ना आपने, दूसरी हेडिंग डाल दी निगोशिएशंस लिख लिया आपने।
लिखें जिसको, इंडिया डज नॉट एग्री ऑन पाकिस्तान निगोशिएशन ऑफर्स, इंडिया डज नॉट एग्री ऑन पाकिस्तान negotiation offers on Kashmir. Hence, Kashmir remains unresolved. Hence, Kashmir remains unresolved. Right? हमने बड़ी कोशिश की है negotiation करने की इंडिया के साथ, इंडिया negotiation पे नहीं मानता. जब इंडिया negotiation पे नहीं मानता, राइट, तो मैं मसला भी हल नहीं हो रहा. बात समझ आ रही थी. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, नेगोशिएशन के पॉइंट नंबर टू, इंडिया डज नॉट एग्री विथ पाकिस्तान्स ऑफर्स, इंडिया डज नॉट एग्री विथ पाकिस्तान्स ऑफर्स ऑफ टेकिंग, इंडिया डज नॉट एग्री विथ पाकिस्तान्स ऑफर्स ऑफ टेकिंग कश्मीर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंडिया डज नॉट एग्री विद पाकिस्तान ऑफर्स ऑफ टेकिंग कश्मीर टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ. सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं मान रहा ICJ में जाने के लिए, तो आप ICJ में जाएं, केस फाइल कर दें, ICJ वाले खुद ही इंडिया को बुला लेंगे. बात समझ आती है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने के लिए आपको दोनों पार्टीज का कंसेंट चाहिए होता है. ये रूल है. यू कैन नॉट फाइल द केस इन ICJ यूनिलैटरली. ये बाकी अदालतों की तरह नहीं है कि आपने जाके केस फाइल कर दिया, उन्होंने दूसरे को बुला लिया या उठा लिया अगर वो ना आया तो. बात समझ आती है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ICJ के अंदर जाने के लिए आपको दूसरी पार्टी का कंसेंट चाहिए होता है. इंडिया कंसेंट देता नहीं. अब आपके सर ये क्या रूल हुआ कि दूसरी पार्टी कंसेंट देगी तो ICJ में जाएंगे? मैं आपके साथ हूं, मैं आपको रूल बता रहा हूं. वो रूल गलत है या ठीक है, या बाद में डिबेट करेंगे कभी UN पढ़ते वक्त. लेकिन रूल ये है कि दूसरी पार्टी का कंसेंट चाहिए. इंडिया कंसेंट देता नहीं है. इंडिया कंसेंट देता नहीं है तो मसला ICJ में जाता नहीं. ICJ में जाता नहीं तो मसला सॉल्व ही नहीं होता. मेरी बात समझ आती? तो ये सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ी थी कि इंडिया वॉयलेशन करता है, ये करता है, ये सारी बातें ICJ में जाएंगी तो ICJ में आप डिबेट कर लें, कोर्ट के सामने जाएं, जजेस के सामने ये प्रेजेंट करें, जजेस खुद ही कश्मीर आपके हवाले कर देंगे. लेकिन सरकार उसके लिए इंडिया का एक्सेप्ट होना जरूरी है ना कि इंडिया ICJ में जाए. इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान के साथ ICJ के लिए. गुजारी बात है, डर है उनके जहन के अंदर कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो मसला कहीं हाथ से ही ना निकल जाए. मेरी बात समझ आ रही? नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग नंबर थ्री, इंटरनेशनल लॉबी एंड डायस्पोरा. डायस्पोरा ये होता है DIASPORA, इंटरनेशनल लॉबी एंड डायस्पोरा. इंटरनेशनल लॉबी एंड डायस्पोरा. डायस्पोरा किसे कहते हैं? उन लोगों को जो मुल्क से बाहर रहते हैं. आपके मुल्क के वो लोग जो मुल्क से बाहर रहते हैं उसको डायस्पोरा कहते हैं. पाकिस्तानी पीपल लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान इज पाकिस्तानी डायस्पोरा. इंडियन पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया इज इंडियन डायस्पोरा. मेरी बात समझ आती? हमने हेडिंग क्या डाली है? इंटरनेशनल लॉबी एंड डायस्पोरा. इसमें पॉइंट नंबर वन लिखें, इंडिया हैज ए मच स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल लॉबी देन पाकिस्तान. इंडिया हैज ए मच स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल लॉबी देन पाकिस्तान. India has a much stronger international lobby than Pakistan. इसी example मैं आपके सामने रखता हूं. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे एक बात बताइए, इंडिया रशिया के ब्लॉक में है या US के ब्लॉक में? दोनों के साथ है. वो रशिया के साथ भी है, वो US के साथ भी है. वो दोनों के साथ नहीं है, वो अपने साथ है. मेरी बात समझ आती? वो रशिया से सबसे ज्यादा असलाह खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं. वो अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा उनके रिलेशंस हैं, राइट? उनकी डील्स सारी की सारी, ऑकस की, क्वाड की, लिमुआ, कॉमकेसा, ये सारी की सारी जो मिलिट्री डील्स उनकी हुई है, किसके साथ हुई है? US के साथ. राफेल जो फाइटर जेट्स हैं वो किससे खरीद रहे हैं? फ्रांस से. बात समझ आती?
खूबसूरत फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन होती है कि जब फॉरेन पॉलिसी प्रिडिक्टेबल ना हो, आप ये बता ना सकें कि ये इसके साथ है कि ये इसके साथ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल है। समटाइम्स यू थिंक कि दे आर विद रशिया, ब्रिक्स में वो रशिया के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं आपको, चाइना के साथ, G20 में अमरीका को गले मिलते नजर आ रहे हैं आपको, और अमरीका और चाइना की आपस में भी नहीं बनती। मेरी बात समझ आ रही है? ये अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन पॉलिसी होती है और यही सबसे खूबसूरत होती है। आप अपने इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। डॉक्टर जयशंकर से किसी ने सवाल किया कि रशिया ने जनाब वॉर करनी शुरू कर दी है यूक्रेन के अंदर और आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं, रशिया आपसे वो पैसे कमाकर असल में लगा किस पर रहा है? यूक्रेन की वॉर पे। तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। बात समझ आती है? डॉक्टर जयशंकर का बयान बड़ा सादा सा था। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर प्रॉब्लम्स इज नॉट माय प्रॉब्लम्स, राइट, एंड डोंट एवर टेल अ सॉवरेन कंट्री लाइक इंडिया व्हाट टू डू। ये फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना कभी कंट्रीज की, राइट, ये तब होती है जब आपको पता होता है कि दुनिया आप पे डिपेंडेंट है, कुछ नहीं कर सकती दुनिया आपका। मेरी बात समझ आती? ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती। फ्रेंच लोगों को कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बदतमीज लोग, सबसे ज्यादा जो है ना वो बदतमीज लोग हैं फ्रेंच जो पीपल होती, क्योंकि उनको पता है कि हम दुनिया में जो मर्जी कर लें, दुनिया ने हमारा खंबा देखने आना ही आना। मेरी बात समझ आती? अरबियों अरबी आज भी उतने ही बदतमीज हैं जितने 1400 साल पहले हुआ करते थे, राइट, क्योंकि उनको पता है कि हम जो मर्जी कर लें, ये दो शहर तो हमारे पास ही हैं, ये नहीं जाते कहीं, इन्होंने आना ही आना है हमारे पास। बात समझ आती है? इसलिए किसी 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी ने कहा था ना कि किसी अरबी को अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। अब इमेजिन करें कि ये आज इतने बदतमीज है तब कितने होंगे, 1400 साल पहले, ये हालात इनके जो चल रहे हैं, आपको आइडिया समझ आता है? तो पॉइंट ये समझाने वाला हूं आपको मैं इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, राइट, कि इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इनकी इतनी स्ट्रांग लॉबी है, आप इमेजिन करें कि 2019 में ना जब कश्मीर रिवोक हुआ स्पेशल स्टेटस, तो कश्मीर डिस्कस हुआ यूनाइटेड नेशंस, डिस्कशन हुई कश्मीर पे। आपको पता है 2019 में जो कश्मीर की डिस्कशन हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, वो 50 साल के बाद हुई थी। फॉर 50 इयर्स कश्मीर वाज नॉट डिस्कस्ड इन द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं और 193 मेंबर्स में से 128 कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए आपको टॉपिक डिस्कस करने के लिए। इमेजिन द लेवल ऑफ लॉबी दे हैड। इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी दुनिया में एग्जिस्ट करती है उनका उनकी कि दे नेवर अलाउड यूनाइटेड नेशंस टू इवन डिस्कस कश्मीर, सोल्यूशन तो दूर की बात। देयर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी एंड दैट स्ट्रॉन्ग लॉबी पाकिस्तान की नहीं है। मेरी बात समझ आती? टू हैव स्ट्रॉन्ग लॉबी दे वर्क वेरी हार्ड। ऐसे सिनेरियो के अंदर करंटली कश्मीर का मसला इसलिए भी सॉल्व नहीं हो रहा कि जिन कंट्रीज के पास पावर है कि वो इंडिया को प्रेशराइज करें, उन सब के ताल्लुक इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। कौन प्रेशराइज कर सकता है इंडिया को? चाइना कर सकता है, रशिया कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, ये कंट्रीज कर सकते हैं ना भाई, सबके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ब्रिक्स में वो चाइना के साथ नहीं और रशिया के साथ नहीं, G20 में वो इंडिया के साथ नहीं और सॉरी यूएस के साथ नहीं। तो जिन कंट्रीज के पास पावर है प्रेशराइज करने की, उन सब के साथ उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉबी, दैट इज व्हाई कश्मीर इज नॉट रिजॉल्व्ड। लिख लीजिएगा जी, इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉबी दैट अलाउज इंडिया That allows India to play openly. बात समझ आती है? इसके अंदर पॉइंट नंबर टू पे आ जाए, इसी के अंदर डायस्पोरा वाला पॉइंट जो हमने लिखना है अभी। इंडिया हैज अ मच डिवेलप्ड एंड स्ट्रॉन्गर डायस्पोरा India has a much developed and stronger diaspora as compared to India has a
मच डिवेलप एंड स्ट्रॉन्गर डायस्पोरा एज कंपेयर टू पाकिस्तानी डायस्पोरा, एज कंपेयर टू पाकिस्तानी डायस्पोरा। डायस्पोरा कहते हैं लोगों को जो मुल्क से बाहर रहते हैं, मतलब मेरी बात पर फोकस करें। मैं कह रहा हूं कि इंडिया का डायस्पोरा पाकिस्तानी डायस्पोरा से ज्यादा डेवलप्ड है, राइट, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का डायस्पोरा रहता है यूके में, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, इन बड़े कंट्रीज में। आपका डायस्पोरा रहता है सऊदीया में, ओमान में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, उन कंट्रीज में आपका डायस्पोरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन कंट्रीज की इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इंटरनेशनल से उतना नहीं है जितना उन कंट्रीज का है जिसमें इंडियन डायस्पोरा एग्जिस्ट करता है। एंड नंबर टू सर, आपका डायस्पोरा मेजॉरिटी वर्कर क्लास है। जो सऊदीया में रहता है वो किसी कंपनी के मालिक नहीं है, वहां पे वो सारे वर्कर हैं वहां पर काम करने वाले। इंडियन डायस्पोरा बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ हैं। कोई गूगल का सीईओ है, कोई अडोब का सीईओ है, इलॉन मस्क से पहले ट्विटर का सीईओ भी इंडियन था, राइट। आप कंपनीज निकाल कर देखें जिनके सीईओ जो हैं वो इंडियंस एग्जिस्ट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा इज मच मोर डेवलप्ड। मेरी बात समझ आती है? जब इंडियन डायस्पोरा ज्यादा डेवलप्ड है ना, तो उन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी कश्मीर के बारे में दुनिया को ज्यादा क्लियर की हुई है। और क्योंकि उनकी इंटरेक्शन दुनिया की ऐसे इंडियंस के साथ होती है जो पढ़े लिखे हैं, जो कंपनीज के मालिक हैं, तो उनको लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं। और उनकी इंटरेक्शन जब पाकिस्तानी के साथ होती है तो वो सारा वर्कर क्लास है। और जब वो वर्कर क्लास पाकिस्तानी के साथ ताल्लुक उनका इंटरेक्शन होता है तो पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। इंडियन साइड ऑफ स्टोरी ऑन कश्मीर इज मच मोर एनहांस्ड जस्ट बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा। बट पाकिस्तानी साइड ऑफ स्टोरी ऑन कश्मीर इज नॉट एनहांस्ड बिकॉज पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट मच मोर अंडर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द इंडियन डायस्पोरा। बात समझ आती? नोट कर लें। इंडियन आर्गुमेंट ऑन कश्मीर, इंडियन आर्गुमेंट ऑन कश्मीर, उसी की एक्सप्लेनेशन। इंडियन आर्गुमेंट ऑन कश्मीर इज मच क्लियर टू द वर्ल्ड। इंडियन आर्गुमेंट ऑन कश्मीर इज मच क्लियर टू द वर्ल्ड rather than the Pakistani argument, because Indian diaspora is much more developed, educated then Pakistani diaspora, much more developed, educated than Pakistani diaspora. बात समझ आ गई जी? आइडिया क्लियर हो गया? आखिरी रीजन why Kashmir is still unresolved. देखिए जी, लास्ट रीजन हेडिंग डालिएगा, lack of potent, POTENT, potent foreign office, lack of potent foreign office in Pakistan, lack of potent foreign office in Pakistan. हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि बेचारे जो foreign office के लोग हैं ना, उनको इतना power ही नहीं है, उनको बेचारों को इतना मौका ही नहीं मिल रहा कि वो पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी को दुनिया के सामने लेकर चले। एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक लिस्ट निकालें जिन जिन कंट्रीज में पाकिस्तान की एम्बेसीज एग्जिस्ट करती हैं, और आप जरा देखिएगा कि वो जो जितनी कंपनी, जितनी अपना मुल्कों में पाकिस्तान की एम्बेसीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से कितने मुल्क में हैं ऐसे जिनकी एम्बेसीज के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स अपॉइंटेड हैं, किसी का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फलां, किसी का नाम है मेजर जनरल फलां, कोई है जनाब कर्नल, कोई है ब्रिगेडियर, सारे के सारे, सारी के सारी पोस्टिंग्स हैं पॉलिटिकल पोस्टिंग्स, राइट। आप बात को याद रखें, आप लोगों में अगर फॉरेन सर्विस की तरफ मूव करना है, याद रखें
अम्बेसडर्स की पोस्टिंग हमेशा हेड ऑफ द स्टेट करता है, प्रेसिडेंट करता है, फॉरेन ऑफिस नहीं करता। जो अम्बेसडर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग्स हमेशा हेड ऑफ द स्टेट करता है, फॉरेन ऑफिस नहीं करता। इंपॉर्टेंट मुल्कों में जब आपकी पोस्टिंग्स जो हैं वो उन लोगों की जाएंगी जिनका फॉरेन ऑफिस के साथ ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं जाकर आपकी साइड ऑफ द स्टोरी कैसे क्लियर करेंगे जिनको खुद ही नहीं पता। आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया, आप लोग फॉरेन ऑफिस में चले गए, वहां पर बैठ के आपके पास मौका है इस बात को दुनिया के सामने रखने का, आपकी जगह किसी और बंदे को आप पोस्ट कर देंगे वो वहां जाकर, जिसको पता ही नहीं है इन सारी की सारी चीजों का जो हमने डिस्कस की है। कश्मीर का मसला कहां से हल होगा? मेरी बात समझ आती? जब पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होंगी, मुझे इनसे किसी से इख्तलाफ नहीं है भाई, जहां जिसका दिल करता है पोस्टिंग करें भाई, लेकिन पॉइंट पता क्या सिंपल सा है, आप ऐसा करें कॉम्पिटेंसी तो देख लें। डॉक्टर मलीहा लोधी पाकिस्तान की एम्बेसडर रही यूएस में, पाकिस्तान की हाई कमिश्नर रही यूके में, पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही यूनाइटेड नेशंस में, शी इज अ जर्नलिस्ट, शी इज नॉट अ करियर डिप्लोमैट। वो करियर डिप्लोमैट तो नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट है। कैसे पोस्टिंग रही पता नहीं। मुनीर अकरम साहब जो करंटली पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, ही इज अ प्री कॉमनर, राइट, 50th कॉमन से पुराने, सीएस वाले नहीं है, उसे भी पुराने हैं वो, राइट। आप पिछले दिनों पाकिस्तान ये श्रीलंका गया हुआ था, टीम गई हुई थी श्रीलंका से जीते जब ये टेस्ट सीरीज, तो जनाब वो श्रीलंका के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान की टीम को बुलाया खाने के ऊपर, राइट। आप उनका नाम देख लीजिएगा जाके, मेजर जनरल पता नहीं क्या नाम था उनका। पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं सऊदीया के अंदर, मेजर जनरल बिलाल अकबर डिगी रेंजर्स रहे हैं, उनको आपने जनाब एम्बेसडर बनाया हुआ सऊदीया के अंदर। सारी जिंदगी आप जंगे करते रहे और जंग करने के बाद 35 साल बाद आप जाके एम्बेसडर लग जाओ, जंग बुरी होती, निगोशिएट करना चाहिए। वो कहेगा यार अल्लाह के वली तू अजीब आदमी, तू 35 साल खुद ही जंग करता रहा और 35 साल बाद आके तू हमें ये भाषण दे रहा है कि जंग नहीं करते, निगोशिएट करते हैं आपस में बैठ के। जब आप नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज की तरफ जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको ना पोस्ट करें, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, लेकिन सर जिनका राइट बन रहा है ना, जिनका काम ये है, उनको पोस्ट करें। डॉक्टर जयशंकर द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्ड इन इंडियन फॉरेन ऑफिस एज अ डिप्लोमैट फॉर 38 ईयर्स। वो करियर डिप्लोमैट है डॉक्टर जयशंकर, जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का, उन्होंने फॉरेन ऑफिस का ही बंदा अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ है। उसको पता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे चलती है, उसको पता है कि जनाब आपने जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी होती है, राइट। इंडिया के अंदर भी ताज़ा मोदी साहब ने एक रेलवे का मिनिस्टर लगाया है जिसने 35 साल रेलवे में काम किया है, इंडियन यूपीएससी का इम्तिहान देके वो रेलवे के अंदर मुलाजमत उसने की, 35 साल उसने रेलवे के अंदर काम किया, रेलवे का मिनिस्टर बन गया। उसको नहीं पता होगा रेलवे कैसे चलती है तो किसको पता होगा? जयशंकर को नहीं पता कि फॉरेन मिनिस्ट्री कैसे चलती है तो उसको क्या पता होगा? तो हमारे पास एंड पे कौन रह गया जनाब? या जनाब साद रफीक साहब बच गए रेलवे के लिए, या आपके पास शेख रशीद बच गए रेलवे के लिए। ये तो हालात हैं आपके। और गालियां दें आपने बाहर की कौमों को कि जनाब वो कुछ नहीं कर रहा है कश्मीर के ऊपर। सरकार ये जो बातें हमने की हैं सारी की सारी, ये बात दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रही, सवाल है ना? क्यों नहीं पहुंच रहा दुनिया तक 3 जून प्लान में क्या डिसाइड हुआ था? क्यों नहीं पहुंच रही सारी की सारी आइडियाज के जनाब इंडिया जो है वो जाति कर रहा है वहां पे लोगों के साथ? क्यों नहीं बात पहुंच रही सारी की सारी दुनिया तक कि जनाब ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू की क्या बात थी? क्योंकि सरकार जिन्होंने बात पहुंचानी है वो तो पोस्टेड ही नहीं है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और मौका जिनको मिल रहा है वो पता नहीं कहां से पहुंच गए वहां तक, शायद उनको ये बातें पता ही नहीं है जो हमने की है डिस्कस। मेरी बात समझ आती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने ये बातें पहुंचानी थी ना, वो पहुंचा नहीं सके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की वजह से। नोट कीजिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस अनफॉर्चुनेटली इज मिसिंग, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस इज अनफॉर्चुनेटली मिसिंग द ट्रिक बिकॉज political appointments in Pakistan's foreign office has made things worse
had made things worse. And Pakistani stance on Kashmir. And Pakistani stance on Kashmir is not projected. Pakistani stance on Kashmir is not projected to the world in a better way. Is not projected to the world in a better way. Samajh aa gayi baat? Idea clear ho gaya? Jin logon ne bicharon ne kaam karna hai, mehnat karke wahan tak pahunche hain, sara kaam hua hai. उनकी सीट खा गए और किसी और को सीट दे दी. मेरी बात समझ आती? तो इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम है. जिन बेचारों को सारों की सारी बातों को आप लोगों ने अगर अंडरस्टैंड कर ली ना, ये चीजें आपको समझ भी आ गई. अब आप लोग पता क्या कह रहे हैं, सर मुझे मौका मिला ना, मैंने बोल देना सारा कुछ जाकर. सर आपको मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्योंकि रीजन बड़ी सिंपल सी, अल्लाह करे आपको मौका मिले, अल्लाह करे मिले आप लोगों को मौका ये सारे के सारे काम करने का. और आप लोग उस टाइम तक पहुंचे जिस टाइम तक हालात वहां पे मुल्क के बेहतर हो चुके हैं. लेकिन प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें कि आपको ना फिर मौका शायद खुद ही ढूंढना पड़ेगा. यहां पे जिस भी पोस्ट पे आप बैठेंगे जाके, वहां पे आप लोगों को खुद ही मौका ढूंढना पड़ेगा. आपकी और मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिस जगह पर भी हम बैठे और जो हम चीजों को बेहतर कर सकें तो हमें करना चाहिए, रादर देन वेटिंग फॉर अस टू बी गिवन द पावर टू चेंज. राइट, वी शुड स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टूडे. इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अल्लाह खैर करे जब आप लोग वहां तक पहुंचेंगे जिस टाइम तक आप लोगों ने काम करना है, तो आप लोगों को समझ आज भी चुका होगा कि हमने क्या काम करना. मेरी बात समझ आती? तो ये आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, व्हाई पाकिस्तान, व्हाई कश्मीर प्रॉब्लम इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड. ठीक है जनाब, ये आइडिया क्लियर आ गया, समझ आ गई? ले जी, यहां पर हम इसको जो है वो रोकते हैं इस आइडिया को. और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इसके सोल्यूशन वगैरह जो क्या है, सारा कुछ है वो इंशाल्लाह फिर हम जो है वो अपने डिस्कस करेंगे ऑन थर्सडे. थर्सडे की क्लास क्या, उसके बाद जब भी हमारी क्लास होती है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ जो अब आएंगे इसके अंदर, सेशन के अंदर, नॉट विद ओपन स्टूडेंट्स. क्लियर हो गई बात जी? तो विल डिस्कस द सॉल्यूशंस इंशाल्लाह और बाकी चीजों को भी अंडरस्टैंड करेंगे. पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिस्प्यूट्स ऑफ कश्मीर एंड नागोर्नो काराबाख. ये सवाल आया था पास पेपर के अंदर, तो उसके ऊपर भी. अच्छा, ये सवाल सीएसएस में भी आया है, उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये सवाल दिया है, नागोर्नो काराबाख और कश्मीर में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. राइट, हो सकता है वो आपसे सवाल पूछ ले आपकी दफा, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन कश्मीर एंड पैलेस्टाइन. राइट, हो सकता है वो उसके अंदर वो लेकर चले इन सारी की सारी चीजों को. तो वो चीजें जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस जो है वो करेंगे. हमारा पूरे का पूरा सेशन जो होगा ये करंट पाकिस्तान अफेयर्स का, वो 40 लेक्चर्स पर होगा. उन 40 लेक्चर्स की जो डिवीजन है वो आप लोगों को, जो फॉर्म अगर आप लोगों ने फिल किया है या नहीं फिल किया तो आप लोगों को फॉर्म देख लें रजिस्ट्रेशन का, उसमें ना वो मैंने प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाई हुई है कि अच्छा इस लेक्चर के ऊपर ये टॉपिक्स हमने सारे के सारे पढ़ने हैं. वो डिवीजन ऑफ द लेक्चर्स भी आपको वहां से अल्टीमेटली मिल जाएंगे. तो 40 लेक्चर्स में किस टॉपिक पे कितने लेक्चर्स हैं, किस पे कितने हैं, तो जितना भी सिलेबस आपका सीएसएस का एग्जिस्ट करता है वो सारे का सारा मैंने उसके अंदर जो है वो डिवाइड जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर जो कर दिया हुआ. क्लियर होगी बात जी? तो फिर आप वहां से जो इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी जो है वो ले सकते हैं. तो अगर ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स विद द स्टूडेंट्स जो के बाकी इनरोल होते हैं, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है आपकी, अभी क्लास आपकी चलनी है क्योंकि नेक्स्ट आपके पास एनालिटिकल लैब की क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी नेक्स्ट एग्जिस्ट करेगी, स्टार्ट करेगी मैडम के साथ. तो वो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बेसिकली इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको. ये किसी सब्जेक्ट पे क्लास नहीं होगी, लेकिन ये क्लास होगी एक ऐसे नॉलेज के ऊपर जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. मतलब आप फॉर एग्जांपल उसको करंट अफेयर्स में यूज करें, पाकिस्तान अफेयर्स में करें, एसए में करें, पॉलिटिकल साइंस में करें, आईआर में करें. राइट, ये वो नॉलेज होगा जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं सारे का सारा. तो आप उसके अंदर आप जो है वो क्लास को जो है अल्टीमेटली जो है वो जरूर एट द एंड ऑफ द डे जो अटेंड करें. एज फार एज जो दी आइडिया इज कंसर्न, ठीक है जी, सर कैन बी ज्वाइन सेशन इन नेक्स्ट वीक. भाई आप नेक्स्ट वीक को ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली आज तक क्लास तो तब तक हमारी हो चुकी होगी, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड जो है वो स्लॉट्स हमारे पास. हम 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि रीजन ये है ना कि पेपर जब चेक करना हो, पेपर अगर आप 50 स्टूडेंट्स आ जाए मैं पेपर कैसे चेक करूंगा हर हफ्ते उनके 50 के, तो 20 का स्लॉट होता है. राइट, तो 20 का फायदा ये हो जाता है कि एक थोड़ा फोकस भी ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और दूसरा पेपर चेक करना थोड़ा आसान होता है. वरना मुश्किल काम है 50 बंदे रख लो, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको बताया था हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर हफ्ते, हर 3 लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट होगा.
तो अगर 3 लेक्चर्स के बाद एक टेस्ट होगा, 50 बंदों ने टेस्ट देना है, तो भाई मैं चेकअप करूंगा उनको, फिर अगला भी चेक करना है, अभी सारे काम करें, इसलिए फिर हम उसको क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं 20 सीट्स के ऊपर। वो 20 सीट्स के हिसाब से आई डोंट नो, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, इनके साथ मेरी, मैंने लास्ट टाइम इनसे पूछा था, उन्होंने कितनी बताई थी सीट्स की, कितनी सीट्स पड़ी हुई अभी सुबह और शाम के बैचेस के अंदर, 5 के 6 पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। अच्छा जी सर, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? भाई मैं आपको बताया तो था, कल आपको डोमेन्स बताई तो थी मैंने क्लास के अंदर, कि ये डोमेन्स हैं, इनके अंदर आप उसको अंडरस्टैंड करें, ये डोमेन्स के अंदर से सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास अल्टीमेटली उसके अंदर आपके पास कवर हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी जो है आपने अगर इसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपके पास जो है ना वो नंबर आपके पास है एग्जिस्ट करता, उनसे रब्ता कर लें इंशाल्लाह, ठीक है जी। चले जी, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज नाइस डिस्कसिंग थिंग्स विद यू, होपफुली विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।